Hello students, today we are going to talk about intelligence and creativity in cognitive psychology. So we are going to cover this topic in four different parts. So what are those parts? Let us see one by one. First part will cover theories of intelligence, G factor and S factor and the model of J.P. Das. Then multiple theories of intelligence, Guilford's theory, Gardner's theory, Sternberg's theory. Third part will be covering about what all the instruments which measure intelligence. And in the last part, that is the fourth part, will be covering creativity and problem solving. So let us start with the first part, which is theories of intelligence, G and S factor and model of J.P. Das. So before we proceed with the theories, we have to understand what is intelligence. Intelligence hai kya? So as per Indian system, there is a word called buddhi, which translates into intellect in English. Likewise, there is another word in Hindi, which is Nishchayatmak Buddhi, which is decision maker. We all make decisions in our life every single day, every single second. आपने अभी decision लिया है कि आपको ये video देखना है या नहीं देखना है, ये भी एक decision है. So जो आप निश्चय करते हैं, decisions लेते हैं, वो भी जो है एक तरह का intelligence है. Then there is something called inner instrument, अंतःकरण. कभी कभी आप कहते हैं ना कि नहीं, मेरे मन को अच्छी नहीं लगी ये बात, या मुझे अंदर से ठीक नहीं लग रहा ये करने में. सो वो क्या है? अंदर से अंतःकरण है, इनर इंस्ट्रूमेंट. सो लेट अस सी सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इंटेलिजेंस की आज तक कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं बनी है जो हर इंसान कहे कि हाँ ये परफेक्ट डेफिनेशन है इंटेलिजेंस की, बस इसमें सब कवर हो गया. Because it is not possible to do so. Intelligence is such a complex thing. We'll see. So, I have taken four definitions, different definitions in this slide. The first one is by Stern. He gave this definition in 1914. He said that intelligence is a general capacity of the individual consciously to adjust his thinking to new requirements. तो जो भी हमारे जीवन में नई नई requirements आती रहती हैं, हमेशा same तो नहीं रहती हैं requirements, तो उसके हिसाब से अपनी सोच को जो बदलना है वो इंटेलिजेंस है. वेचलर ने जो है 1944 में जो डेफिनेशन दी इंटेलिजेंस की, ही सेड इंटेलिजेंस एज ए हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट इज द ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विद दिस एनवायरमेंट. तीन इसमें आस्पेक्ट जो है वेचलर ने बोले. पहली बात, एक्ट पर्पसफुली, जो काम जो कुछ भी करे वो बिहेवियर वो पर्पसफुल होना चाहिए. दूसरा, थिंक रैशनली, तर्कपूर्ण तरीके से सोचे. तीसरा, तो डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरमेंट, जो वातावरण है उसके साथ में वो डील कर पाए, प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर पाए उसके साथ में. इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है इंटेलिजेंस है. फिर वेचलर ने ही अपनी डेफिनेशन को दोबारा रिवाइज किया 1975 में. देन व्हाट ही सेड, तब क्या बोला? The capacity of an individual to understand the world around him and his resourcefulness to cope with its challenges. अपने आसपास की दुनिया को समझे इंसान और जो भी उसकी challenges हैं उसके वातावरण में, उनके साथ में वो resourceful तरीके से cope कर पाए, मतलब संसाधन जुटा पाए जिससे कि वो उनको challenges का सामना कर पाए. फिर एक चीज होती है operational definition, इसको समझ लीजिए. ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को नापेंगे कैसे, क्या चीज है जिसके द्वारा आप उसको मेजर करेंगे, वो उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है. तो बोरिंग ने 1923 में ऑपरेशनल डेफिनेशन दी थी कि इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर. सिंपल, जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर करते हैं वही इंटेलिजेंस है. क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट भी कोई एक तरीके के नहीं है, बहुत तरीके के हैं और हर इंटेलिजेंस टेस्ट अपने अपने तरीके से डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के आधार पे मेजरमेंट करते हैं, वो आगे हम देखेंगे अभी.
ये आप चारों डेफिनेशन देख रहे हैं, इन चारों ही डेफिनेशंस में जो है अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंस को डिफाइन किया गया। इवन सेम आदमी जो वेस्लर है उसने भी खुद डेफिनेशन, अपनी खुद की ही डेफिनेशन को चेंज किया। ये आपको पहले दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंटेलिजेंस को परफेक्टली डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा से लोगों के इंटेलिजेंस के बारे में डाइवर्स यानी कि विभिन्न विभिन्न व्यूज रहे हैं, विचारधारा रही हैं। 1921 में एक सिंपोजियम जो है ऑर्गेनाइज किया गया। सिंपोजियम कहते हैं ऐसे आयोजन को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, रादर अरेंजमेंट को, जहाँ पे काफ़ी जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं वो आते हैं और वो अपने अपने विचार रखते हैं। तो 1921 में जो एक सिंपोजियम जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसमें 13 डिफरेंट जो है साइकोलॉजिस्ट बुलाया गया था, जो सभी इंटेलेक्चुअल असेसमेंट में स्पेशलाइज करते थे, महारत थी उनकी। लेकिन क्या पाया कि ऑल 13 वर हैविंग डिफरेंट व्यूज ऑन द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। सबका अलग अलग जो है विचार था कि इंटेलिजेंस क्या होती है। तो सबकी अलग अलग डेफिनेशन जो है वो छापी गई थी जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में सिंपोजियम के बाद में। फिर 1986 में स्टर्नबर्ग और डिटरमैन ने जो है 24 डिफरेंट प्रोमिनेंट स्कॉलर्स बुलाए थे, अलग अलग स्कॉलर्स 24 जो बहुत अपने फील्ड के जो है माहिर थे, तो उनकी भी 24 डिफरेंट डेफिनेशन थी। दे ऑल हैड डिफरेंट डेफिनेशंस, लेकिन कुछ कॉमनैलिटीज निकल के आई थी कि हाँ कुछ बातें उनमें आपस में कॉमन है। क्या है, एक तो सबने माना कि जो इंटेलिजेंस है कि ये हायर लेवल की एबिलिटी है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का मतलब होता है जो चीज़ को, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो हम महसूस तो कर सकते हैं पर ना देख सकते हैं, ना दिखा सकते हैं, ना जो है हम किसी को टच करके जो है फील कर सकते हैं, वो जो है एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरह की जो है तर्क वाली बात है जो हम देख ना सकें, जिसको छू ना सकें लेकिन महसूस कर सकें। फिर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी हायर लेवल की मानी जाती है। फिर मेंटल रिप्रेजेंटेशन, जो भी हमारी नॉलेज है वो अपने दिमाग में हम कैसे बिठा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। डिसीजन मेकिंग, जो अभी हमने भी बात करी थी, निश्चयात्मक बुद्धि, ये सब जो हाई लेवल की एबिलिटीज मानी जाती हैं, ये इंटेलिजेंस का पार्ट होती हैं। फिर दूसरी चीज़ सबने मानी कि इंटेलिजेंस में क्या है कि एबिलिटी टू लर्न, भाई जो सीख सकता है वो इंटेलिजेंट है, जो सीख नहीं सकता वो इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हमको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। वन टाइम मेजर नहीं है कि आपने एक बार कुछ सीख लिया, जिंदगी भर के लिए अब जो है आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और तीसरी जो चीज़ कॉमन थी वो थी एडेप्टेशन टू मीट द डिमांड्स ऑफ एनवायरनमेंट, जो वातावरण में हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आती रहती हैं जो हमको चैलेंज करती हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़रूरतें बदलती रहती हैं, तो उसके हिसाब से हम अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। ये तो ये तीन चीज़ें जो हैं सब में निकल के आई कॉमन, कि हाँ ये सबने मानी कि हाँ ये तो होना चाहिए। फिर 1987 में स्नाइडरमैन एंड रॉथमैन ने मोर देन 1,000 एक्सपर्ट्स बुलाए थे, मोर देन 1,000, वो भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, जेनेटिक्स। तो उन्होंने भी जो है अपनी अपनी डेफिनेशंस जो है बताई, और अगेन वही बात कि हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन अलग थी, लेकिन कुछ बातों में सभी सहमत थे। जैसे ऊपर मैंने भी बताया 1986 वाली जो मीटिंग हुई थी उसमें जो है डेफिनेशन डिफरेंट थी लेकिन कुछ कॉमनैलिटीज निकल के आई थी। लाइकवाइज 87 में जो भी 1,000 लोगों में, उसमें थे सबके अपने अलग अलग विचार लेकिन कुछ कॉमनैलिटीज भी थी, वो क्या थी वो देखते हैं। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबने जो है माना, सबने मतलब 99.3% ने, सामने परसेंटेज लिखा हुआ, 99.3% ने माना कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग जो है वो इंटेलिजेंस होती है। फिर दूसरी चीज जिस पे अधिकतर लोग एग्री किए वो थी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या को सॉल्व करना, वो जो है एबिलिटी है तो इंटेलिजेंस है, ये 97.7% लोगों ने माना। फिर तीसरी है कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज, हमेशा हर चीज़ की नॉलेज किसी को भी नहीं हो सकती, तो जब आप जीवन में कोई भी चीज़ डील करते हैं तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नई नॉलेज जो है एक्वायर करनी पड़ती, प्राप्त करनी पड़ती, हासिल करनी पड़ती, तो 96% लोगों ने ये माना। तो ऐसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आगे परसेंटेज घटता गया, पर ये तीन जो है टॉप जो चीज़ें हैं जिस पर सबने एग्री किया कि हाँ ये चीज़ तो इंटेलिजेंस में हम मानते हैं कि होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यानी कि ऐतिहासिक जो है नज़रिए से देखते हैं कि क्या क्या इंटेलिजेंस में काम हुआ, क्या लोगों के विचार थे वगैरह।
तो सबसे पहला जो है नाम लिया जाता है फ्रांसिस गैल्टन का। तो फ्रांसिस गैल्टन जो थे वो चार्ल्स डार्विन के चचेरे भाई कजिन थे। तो वो जो चार्ल्स डार्विन के काम से जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी थी उन्होंने चार्ल्स डार्विन, उससे बहुत प्रभावित हुए थे, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। सो वो फ्रांसिस गैल्टन ने सबसे पहले जो है ये टर्म कॉइन किया था मेंटल टेस्ट। इससे पहले मेंटल टेस्ट के नाम से नहीं बोला जाता था, कोई टेस्ट होता ही नहीं था। तो उसने उनके टेस्ट में क्या होता था, कैसे होता था, ये हम आगे अभी देखेंगे। हर एक का अपना अपना अलग अलग तरीका होता था। सो ये पायनियर थे जिन्होंने शुरुआत करी थी मेंटल टेस्ट की, फ्रांसिस गैल्टन ने। सो इन्होंने 1882 में लंदन में जो है फर्स्ट लेबोरेटरी बनाई थी, लंदन में, फर्स्ट वर्ल्ड की नहीं, लंदन की फर्स्ट लेबोरेटरी फ्रांसिस गैल्टन ने बनाई थी, जहाँ पे मेंटल टेस्ट होता था। फिर जो अमेरिका में 1875 में विलियम जेम्स ने जो है एक लेबोरेटरी बनाई थी, वो अमेरिका की फर्स्ट थी। लेकिन यहाँ पे जो है टीचिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए होती थी, रिसर्च के लिए नहीं होती थी, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नहीं, ओनली फॉर टीचिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। जो इसीलिए वर्ल्ड की पहली लेबोरेटरी जो है एक्चुअल मानी जाती है, वो मानी जाती कि 1879 में विलहेम वुंड ने लीप्जिग जर्मनी में बनाई थी। दिस वॉज अ लेबोरेटरी इन ट्रू सेंस, दे आर डूइंग एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च। तो यहाँ पे शोध भी होता था और प्रयोग भी होते थे, इसलिए इसको वर्ल्ड की फर्स्ट लेबोरेटरी माना जाता है। वरना तो इनसे पहले विलियम जेम्स ने बनाई थी, लेकिन दैट वॉज फॉर टीचिंग एंड डेमॉन्स्ट्रेशन, इसलिए उसको नहीं बोला जाता है। विलहेम वुंड की जो 1879 में जो बनाई लेबोरेटरी है, उसको वर्ल्ड की फर्स्ट लेबोरेटरी माना जाता है एज फार एज साइकोलॉजी इज कंसर्न। फिर इसके चार साल बाद 1883 में जीन स्टैनले हॉल ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में वहाँ बनाई थी। इसके बाद में आता है 1905 में एक फ्रांस में अल्फ्रेड बिने थे, उनको जो है फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये टास्क दिया था कि आप जो है जो गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतने जो है मेंटली शार्प नहीं है, उनकी जो है मेंटल कैपेसिटी जो है कम है, तो उन बच्चों को आप जो है छांटिए, मेंटली जो है वीक है, जिनको आम बच्चों के साथ में पढ़ाई करके जो है उतना फ़ायदा नहीं हो सकता है, तो उन बच्चों को जो है ताकि हम अलग से पढ़ाई दें, तो उनकी जो सीटें हैं जो वेस्ट हो रही हैं, वो स्कूल में जा भी रहे हैं और कुछ पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके मेंटली रिटार्डेड हैं, कैपेसिटी मेंटली कम है। तो इसलिए जो है आप कोई ऐसा टेस्ट बनाइए जिससे कि उनको जो है हम आइडेंटिफाई कर सकें। सो थियोडोर साइमन के साथ में अल्फ्रेड बिने ने पहला टेस्ट बनाया था 1905 में। इस टेस्ट के बहुत सारे जो है अमेंडमेंट्स हुए, वो आगे हम देखेंगे। फिर 1914 में विलियम स्टर्न ने इंटेलिजेंस कोशेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। सो इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है, कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। सो मेंटल एज क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, ये समझ लीजिए। क्रोनोलॉजिकल एज तो जो डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं कि भाई जिस डेट में पैदा हुआ आज क्या डेट है, इसके हिसाब से निकाल लो कितने साल का कोई है, वो क्रोनोलॉजिकल एज हो गई। मेंटल एज कैसे निकलती है, वो जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उसके द्वारा निकलती है, उसमें जो नंबर आते हैं उसके हिसाब से मेंटल एज आती है। और ये जरूरी नहीं कि जो क्रोनोलॉजिकल एज हो मेंटल एज हो बराबर हो, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। सपोज किसी की क्रोनोलॉजिकल एज 10 ईयर्स है और उसकी मेंटल एज भी 10 ईयर्स है, सो 10 डिवाइडेड बाई 10 और इंटू 100, तो कितना है 100, तो उसकी आईक्यू कितनी हुई, 100 हो गई। दूसरा एग्जांपल, मान लो किसी की जो है मेंटल एज जो है 12 है, क्रोनोलॉजिकल एज 10 है, तो 12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 120। सो उसकी आईक्यू कितनी हो गई, 120 हो गई। अपनी मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम भी हो सकती है, जैसे मान लो मेंटल एज निकल के आई 8 साल और क्रोनोलॉजिकल एज 10 ईयर्स है, तो 8 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो कितना होगा 80। सो आईक्यू होगी 80। तो इस तरह ये जो है आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है विलियम स्टर्न ने दिया था। अब आगे आते हैं
सबसे पहली जो थ्योरी इंटेलिजेंस की आती है वो है स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सो स्पीयरमैन ने क्या कहा था कि हम जितने भी काम करते हैं हर काम में जो है एक जनरल इंटेलिजेंस जो है यूज होती है जिसे जी फैक्टर कहते हैं, और हर काम में कुछ अपनी जो है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी होती है जो उस काम के लिए ज़रूरी है, उसको एस फैक्टर कहते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे जो कलर्ड वाले जो है फोटो देखेंगे तो उसमें चार डिफरेंट टास्क दिए हैं, जैसे मैकेनिकल है, स्पेशियल है, न्यूमेरिकल है, वर्बल है। सो इन चारों में अपनी अपनी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस तो यूज़ होगी, अलग अलग टाइप के काम है, लेकिन इनमें से हर एक में एक कॉमन फैक्टर होगा, क्या? जी फैक्टर। तो ये जो है जी फैक्टर और एस फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन की थी। तो स्पीयरमैन ने जो जी फैक्टर था इसको मेंटल एनर्जी बोला कि दिस जी फैक्टर इज मेंटल एनर्जी। सो नेक्स्ट इसी एग्जांपल इसी थ्योरी के लिए अगला एग्जांपल है, आप स्क्रीन में बगल में जो ब्लैक एंड वाइट वाला जो पिक्चर है उसको देखिए, तो उसमें देखेंगे जैसे एस ए, एस बी, एस सी, एस डी, एस ई, ये सब जो दिए हैं ये स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, कोई काम हम जो कर रहे हैं उसके स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, जैसे टास्क ए बी सी डी हैं उनके ये स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं ये, और हर एक में जो है अधिकतर में जी फैक्टर जो है यूज हो रहा है जो अभी हमने कलर्ड वाले में समझा था। इसमें कुछ देख रहे होगे, कुछ आप ऐसे टास्क हैं जो जिसमें जी फैक्टर यूज नहीं हो रहा, ये बहुत ही स्पेशलाइज टास्क है, यहाँ पे जी फैक्टर इनमें नहीं यूज हो रहा, और कुछ जो है ऐसे हैं जैसे जी और एच वाला जो टास्क है एस जी और एस एच, उसमें आप देख रहे हैं कि ओवरलैप जो हो रहा है, ये जो ओवरलैप हो रहा है ये, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया कि ये इन दोनों में कॉमन है। जैसे मान लीजिए अरिथमेटिक और एलजेब्रा, तो अरिथमेटिक और एलजेब्रा दोनों में नंबर्स तो यूज होते हैं, तो नंबर से रिलेटेड टू इंटेलिजेंस दोनों में चाहिए, तो वो कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन दोनों में ही जो है जी फैक्टर की भी जरूरत है। तो इस तरह से हर काम में हमें कुछ स्पेसिफिक फैक्टर की जरूरत है, अधिकतर में ये डिफरेंट स्पेसिफिक फैक्टर हो गए, और हमको जी फैक्टर की भी जरूरत है। सो दिस वॉज स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। फिर नेक्स्ट इज थॉर्नडाइक्स थ्योरी। सो थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि ही डिड नॉट एग्री विद स्पीयरमैन। उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर काम में एक जनरल इंटेलिजेंस लगती है, ऐसा नहीं है। थॉर्नडाइक का ये कहना रहा था कि हर काम में कुछ एक डिफरेंट सेट्स ऑफ इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, कुछ दो तीन चार पांच डिफरेंट टाइप की जो इंटेलिजेंस होती हैं उनके कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है हर काम में, किसी में कुछ ज़्यादा होगा किसी में कुछ कम होगा, लेकिन वो एक कॉम्बिनेशन होता है। सो वो जो कॉम्बिनेशन है वो है होता है, ना कि जी फैक्टर कोई अलग से होता है कि सिंगल जी फैक्टर, नहीं, जी फैक्टर इज एक्चुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड टू सॉल्व एनी टास्क, ये थॉर्नडाइक का कहना था। तो थॉर्नडाइक के हिसाब से जो कॉमन फैक्टर है वो इंडिविजुअल में नहीं, वो टास्क में है, कि काम किस टाइप का है उसके हिसाब से कॉमन एलिमेंट डिसाइड होगा। जैसा कि मैंने बताया कुछ चीज़ ज़्यादा चाहिए होगी, कुछ चीज़ किसी में कम चाहिए होगी, जैसे मैथमेटिक्स की जरूरत म्यूजिक में भी जरूरत पड़ती है, अलजेब्रा में भी पड़ती है, लैंग्वेज की जरूरत जो है म्यूजिक में भी पड़ती है, मैथमेटिक्स में भी पड़ती है, लेकिन कहीं मैथमेटिक्स ज़्यादा जरूरत है कहीं पर लैंग्वेज की ज़्यादा जरूरत है, डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंट चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो टास्क में है, ना कि इंडिविजुअल के अंदर है, ये थॉर्नडाइक का कहना था। और उसने कहा कि जो स्पीयरमैन का जो कोरिलेशन निकल के आ रहा है कि भी डिफरेंट डिफरेंट टास्क में जो है एक जी फैक्टर का कोरिलेशन निकल रहा है, वो इसलिए कि उन टास्क में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, तो कॉमन है तो कोरिलेशन निकले गई। तो अगर हम जी फैक्टर की बात करें तो थॉर्नडाइक के हिसाब से वो इंडिविजुअल में नहीं टास्क में है, स्पीयरमैन की बात करें तो उसके हिसाब से वो इंडिविजुअल में है टास्क में नहीं है। तो थॉर्नडाइक ने जो है तीन डिफरेंट टाइप की ब्रॉड टाइप की इंटेलिजेंस मानी थी, एक तो सोशल सामाजिक, कॉन्क्रीट मूर्त जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, फील कर सकते हैं टच करके, पांचों सेंसरी ऑर्गन्स में से किसी से भी या कॉम्बिनेशन से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को, तो वो सब कॉन्क्रीट हो गया।
और तीसरी एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसे आप महसूस तो कर सकते हो, ना देख सकते हो, ना दिखा सकते हो, ना टच कर सकते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो थॉर्नडाइक ने ये तीन टाइप की इंटेलिजेंस मानी थी। फिर आती है थॉमसन की थ्योरी। थॉमसन ने जो है वही कहा कि आप जो है जनरल चीज जो है एबिलिटी नहीं कह सकते हो, ये जो है कॉम्बिनेशन है डिफरेंट एबिलिटीज का, जो इंसान की एबिलिटीज हैं। बात ये भी वही कह रहा है, लेकिन ये एबिलिटीज भी कह रहा है। थॉमसन ने जो है कहा वो एबिलिटीज के बारे में कहा, जो थॉर्नडाइक ने कहा था वो टास्क में है एबिलिटीज, इंडिविजुअल में नहीं है। ये कह रहे हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो इंडिविजुअल में जो है दैट इज व्हाट इज जनरल एबिलिटी एक किसी इंसान में है। और कई सारे जो है टास्क होते हैं, जैसे अभी मैंने पीछे देखा था, उसमें कॉमन चीजें भी होती हैं, तो वो ग्रुप फैक्टर हो गया भाई। ये चीजें मिला के एक कॉमन ग्रुप बन जाता है, इसमें कुछ चीजें कॉमन है, जैसे अरिथमेटिक है, एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, सब में कॉमन है नंबर्स, तो ये एक कॉमन फैक्टर हो गया। और स्पेसिफिक जो है फैक्टर थॉमसन ने भी माना, लेकिन उसको बोला कि वो एक सिंगल स्पेसिफिक टास्क में ही है, सिर्फ इसी में यूज होता है और वो कहीं नहीं होता है। जैसे लेट अस से कि कुकिंग, अब कुकिंग जो है एक बिल्कुल उसमें ना मैथमेटिक्स यूज होती है, ना इंग्लिश यूज होती है, ना हिंदी यूज होती है, ना म्यूजिक यूज होता है, वो एक अलग ही एबिलिटी है। तो ऐसे कुछ टास्क हैं वो अलग ही टाइप की जो है एबिलिटी उससे ही होती है, जो कि लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर टास्क होती है। जैसे अगर हम ये मान के चल सकते हैं कि जिसको अरिथमेटिक अच्छा है तो उसका एलजेब्रा भी अच्छा होना चाहिए और उसका ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये आपस में मिलते जुलते हैं। लेकिन जैसे अब किसी की कुकिंग अच्छी है तो जरूरी नहीं कि वो कढ़ाई भी अच्छी करता हो, या जरूरी नहीं कि वो गेम्स में अच्छा हो, या जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स में अच्छा हो, क्योंकि कुकिंग एक बिल्कुल डिफरेंट जो है एबिलिटी हो गई। तो इस तरह से जो किसी एक पर्टिकुलर सिंगल टेस्ट में जो चीज़ चाहिए होती है वो स्पेसिफिक फैक्टर हो गया। तो हालांकि गिलफोर्ड जो था उन्होंने जो है थॉमसन की बात से एग्री नहीं किया, तो व्हाट गिलफोर्ड सेड कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन की जो बात कर रहे हैं थॉमसन, कॉन्स्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटी एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में जो एबिलिटी उसका कॉम्बिनेशन जो है, ये एक्सपेरिमेंटली आप डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हो, प्रयोग के द्वारा आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो। क्योंकि साइंस में क्या होता है कि कोई चीज़ अगर हम किसी चीज़ के बारे में कह रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं, तो फिर हमको उसको नाप के भी दिखाना होगा, वरना वो सिर्फ थ्योरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो गिलफोर्ड ने ये कहा कि भाई ये कह रहे हैं इसको भाई एक्सपेरिमेंटल तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये हम इसको साइंटिफिक नहीं कह सकते हैं। फिर अगली थ्योरी आती है थर्स्टन की। सो थर्स्टन ने सबसे पहले बोला कि देयर आर सेवन प्राइमरी एबिलिटीज, सात तरह की प्राइमरी एबिलिटीज होती हैं किसी भी इंडिविजुअल में। कौन कौन सी? नंबर या न्यूमेरिकल, वर्ड फ्लुएंसी यानी कि बोलने वाली, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन यानी समझने वाली, रीजनिंग यानी तर्क वाली, परसेप्चुअल स्पीड आप जो है कितनी तेजी से देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, रिएक्ट कर सकते हो, ये सब परसेप्चुअल स्पीड है। मेमोरी, स्मृति एंड स्पेशियल ओरिएंटेशन, जो थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है, त्रिआयामी जो भी जगह होंगी उसमें आप कैसे जो है अपनी चीज़ों को समझ सकते हो और उनको हैंडल करते हो। तो ये सेवन प्राइमरी एबिलिटीज जो है थर्स्टन ने बोली थी, किसी में कोई कम हो सकती है, किसी में कोई ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये थर्स्टन के हिसाब से इंटेलिजेंस होती है। तो ये जी फैक्टर और एस फैक्टर को थर्स्टन ने नहीं माना था, लेकिन बाद में थर्स्टन ने अपनी थ्योरी को रिवाइज किया था। थर्स्टन ने माना था कि हाँ एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। हायरार्किकल का मतलब होता है कोई चीज़ टॉप पे, फिर कुछ उसके नीचे, फिर कुछ उसके नीचे, फिर कुछ सबसे सबसे नीचे, ऐसे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो चीज़ें अरेंज होती हैं उसको हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर बाद में जो थर्स्टन ने ये कहा कि इंटेलिजेंस जो है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जी जो है सबसे टॉप पे होता है, वही जो स्पीयरमैन वाला जी है वो टॉप पे है। और प्राइमरी जो एबिलिटीज हैं जो इसने सेवन बताई थी डिफरेंट जो ऊपर लिखी हुई है, वो उसके नीचे हैं, जी के नीचे हैं। और जो स्पेसिफिक एबिलिटीज जिसको हम एक्चुअल टेस्ट से मेजर करते हैं वो सबसे लोएस्ट लेवल पे होती है।
सो ये थर्स्टन की थ्योरी थी। इसके बाद में ये आती है दास नेगलेरियन किर्वीज पास थ्योरी। सो ये पास थ्योरी जो है ये एक ट्रेंड को तोड़ने वाली इंटेलिजेंस की थ्योरी थी। इससे पहले जितनी भी थ्योरीज थी वो कॉन्सेप्चुअल थी, हर इंसान अपने तरीके से जो है इंटेलिजेंस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस थ्योरी में क्या था कि न्यूरोसाइकोलॉजी को इस्तेमाल किया था। एक अलेक्जेंडर आर लूरिया थे, उन्होंने जो है न्यूरोसाइकोलॉजी में रिसर्च करते हुए डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स क्या क्या चीज़ें प्रोसेस करते हैं वो जो है एक थ्योरी उन्होंने न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे, मतलब कॉन्क्रीट चीज़ जिसको साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं, वो जो है अलेक्जेंडर आर लूरिया ने दी थी। तो ये जो पास थ्योरी है ये जो है इस न्यूरोसाइकोलॉजिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी। सो पास का फुल फॉर्म क्या है, पी फॉर प्लानिंग, ए फॉर अराउजल ऑब्लिक अटेंशन, जो बाद में दो ऐसे सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस, अभी क्या है हम आगे पढ़ेंगे। सो पास का ये फुल फॉर्म है प्लानिंग अटेंशन एंड अराउजल साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। अब जो हमारे को हमारे ब्रेन में जो भी इनपुट जाते हैं वो सेंसरी ऑर्गन से आते हैं, जो पांचों सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये पांच सेंसरी ऑर्गन हैं। सो इन पांच सेंसरी ऑर्गन से हमारे ब्रेन में इनपुट जाते हैं। कैसे जाते हैं, या तो सीरियली जाएंगे या कंकरेंट जाएंगे। सीरियली मतलब एक के बाद एक, पहले एक आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया। भाई पहले हमें कोई चीज़ दिखाई दी, फिर हमें उसकी स्मेल आई, फिर उसको हमने हाथ में पकड़ के टच किया, फिर हमने उसको टेस्ट किया। तो ये सीरियली हुआ, एक के बाद एक हुआ। कुछ चीज़ें कंकरेंट भी आ सकती हैं, हम जो हमें जो है स्मेल भी आ रही है, हम उसको खा भी रहे हैं, हम उसको देख भी रहे हैं, हम उसको टच भी कर रहे हैं, एक साथ चल रहा है सब कुछ, कंकरेंट भी हो सकता है। सो हमारे पास जो इनपुट आएंगे वो सीरियल में भी हो सकते हैं, कंकरेंट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है जो फर्स्ट फंक्शनल यूनिट है सिग्नल जो जब वहाँ जाता है वो ब्रेन स्टेम होता है। ब्रेन स्टेम होता है हमारे ब्रेन के सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। सो वहाँ पे ब्रेन स्टेम में जो हमारे पास इनपुट आते हैं वो तब हम जो है उनको नोटिस करेंगे जब सफिशिएंट अराउजल और अटेंशन है। जैसे मान लीजिए पीछे कोई सुई गिरी और मैं गाना सुन रहा हूँ कहीं पे, मुझे सुई की आवाज़ सुनाई भी नहीं देगी, वह अटेंशन जाएगी ही नहीं, अराउजल होगा ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा सुई गिरी है। लेकिन अगर मैं बहुत अटेंटिवली होकर सुनूंगा तो मुझे तुरंत सुनाई देगी, हल्की सी आवाज़ होगी। तो जो भी पांचों स्टिमुलस हमको मिलते हैं पांचों सेंसरी ऑर्गन से वो तब हमको जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन रजिस्टर करेंगे जब हमको सफिशिएंट अराउजल एंड अटेंशन हो। अगर आपको अटेंशन नहीं है या सफिशिएंटली अराउज नहीं, मान लीजिए आप सो रहे हैं आधे नींद में हैं, तो अराउजल प्रॉपर नहीं है, तो आपको हो सकता है कोई स्टिमुलस आया आपको पता भी ना चले। सो सबसे पहले वहाँ जाता है हमारे सेंसरी ऑर्गन से जो फर्स्ट फंक्शन यूनिट है ब्रेन से में, वहाँ जाता है जब सफिशिएंट अराउजल एंड अटेंशन होता है। फिर वहाँ से जो है हमारा जो फर्स्ट से जो है सेकेंड वाले फंक्शनल यूनिट में जाता है। सेकंड फंक्शनल यूनिट में कौन से ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। फिर से बोलता हूँ, ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ऑसिपिटल लोब का क्या काम होता है कि देखना, जो हम देखते हैं वो ऑसिपिटल लोब के जरिए होता है। टेम्पोरल लोब का मेन काम क्या होता है, सुनना। और पैराइटल लोब का काम क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्टिमुलस आ रहे हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करना। जैसे आपके पास किसी ने बॉल फेंकी तो आप देख रहे हो कि बॉल आपके पास आ रही है, बॉल की स्पीड कितनी है, डायरेक्शन कितनी है, हाइट कितनी है, उस हिसाब से आपने अपने बॉडी को कोऑर्डिनेट किया और बॉल को हाथ को उठाया और बॉल को कैच कर लिया। तो ये कोऑर्डिनेशन किसने किया, पैराइटल लोब ने किया। तो यहाँ से जो हमको मिले जो फर्स्ट यूनिट से
जो इन्फॉर्मेशन मिली यानी कि डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन से मिली वो इन तीनों जगह जाएगी, ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब में। और अगेन वही साइमल्टेनियस भी हो सकती है और सक्सेसिव भी हो सकती है, एक के बाद भी एक हो सकती है और लगातार भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फिर आप यहां पे देख रहे होंगे कि यहां से टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है जो ब्रेन स्टेम से यहां पे भी जा रही है और इंफॉर्मेशन यहां से ब्रेन स्टेम को भी जा रही है। कई चीजें जो होती हैं जो हमको पहचान कैसे होंगी, पहले से हमको पता है, जैसे आपने स्मेल आई, आपने पहले जो है संतरा खाया हुआ है तो आपने पहचान लिया कि ये संतरे की स्मेल है। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि आपको ये जो सेकेंड यूनिट है यहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन स्टेम को गई इसलिए हुआ, और वो आई इंफॉर्मेशन यहां से थी। तो ऐसे अप डाउन दोनों होता है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग दोनों होता है। फिर सेकेंड यूनिट से जो है थर्ड यूनिट में जाती है, थर्ड यूनिट में क्या होता है, फ्रंटल लोब होता है जो हमारा ब्रेन का एग्जीक्यूटिव होता है, जिसे कहते हैं ना बॉस, एग्जीक्यूटिव, टॉप मोस्ट, जो कौन कंट्रोल करता है ब्रेन को, फ्रंटल लोब। तो हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितने भी जो है लॉजिकल फंक्शनिंग वगैरह होती हैं, वो सब फ्रंटल लोब से होती है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है फ्रंटल लोब में जाती है कि भाई अब क्या करना है, ये चीज़ ये है, यहाँ पहचान लिया हमने क्या है, यहाँ गई। फिर ये जो है ये प्लानिंग की जाएगी यहाँ पे, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, वो सब यहाँ से किया था। फिर ये हर एक को इन्फॉर्मेशन देता है, फ्रंटल लोब ब्रेन स्टेम को भी देता है और इधर इन तीनों ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब भी देता है। जैसे मान लो कि अभी हमको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो ब्रेन स्टेम जो है को बोला जाएगा कि भाई अभी और ये भी पता करो कि ये चीज़ क्या है, इसके बगल में जो रखी ये तो पता चल गई, सामने वाली क्या है, पीछे दिख नहीं रही है वो पता करो। और साथ ही यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन जाएगी ब्रेन से कि जैसे बोला कि भाई भागो, तो पैराइटल लोब जो है कोऑर्डिनेट करेगा सारे मसल्स की जो है रनिंग वाली जो है उनकी, हाथ की, पैर की, एब्डोमेन की, जो भी है सारी। टेम्पोरल लोब को भी बोलेगा भाई सुनो, सुनते रहो, कोई खतरा तो नहीं है। ऑसिपिटल लोब को भी बोलेगा देखते रहो, कोई और तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो है ये तीनों ही यूनिट जो है आपस में कम्युनिकेट करती रहती हैं, हर जगह से हर जगह इंफॉर्मेशन जा रहा है। कई बार जो है सीधे ब्रेन स्टेम से जो है फ्रंटल लोब में भी इंफॉर्मेशन जा सकती है, अगर मान लो कोई खतरा है स्ट्रेट अवे दिखाई दिया, जैसे अंधेरे में आपको कोई चीज़ लटकती हुई दिखाई दी तो आप रुक के थोड़ा सोचेंगे कि ये क्या है, आप तुरंत जो है एकदम दूर हो जाएंगे। तो प्रोसेसिंग ये ऑसिपिटल पैराइटल टेम्पोरल लोब ना करके सीधा फ्रंटल लोब ने किया कि कुछ पता नहीं क्या डेंजर हो सकता, दूर हो जाओ। सो इस तरह तीनों ही यूनिट आपस में कम्युनिकेट करती हैं और फिर एक आउटपुट आएगा। आउटपुट जो है अगेन वो या तो सीरियल हो सकता है या कंकरेंट हो सकता है। तो आप हो सकता है कि कोई एक्शन एक ही करके करें, भाई पहले जो है दूर हो जाओ, फिर जो है दरवाज़ा बंद कर लो, फिर चिल्लाओ, ये सीरियल हो गया। या हो सकता है दौड़ते दौड़ते चिल्लाते जाओ और जो है जो भी हाथ में पकड़ में आ जाए उसको उठा के फेंकते जाओ, ये कंकरेंट हो गया। सो इस तरह से हमारे आउटपुट भी सीरियल भी हो सकते हैं, कंकरेंट भी हो सकते हैं। और ये सारी एक्टिविटी किस में हो रही है, नॉलेज बेस में हो रही है। जो हमारी आज तक जो है हमने अपनी लाइफ में जो कुछ जाना है समझा है, दैट इज नॉलेज बेस। विद इन दिस नॉलेज बेस ये सारी फंक्शनिंग हो रही है। जो अगर कोई पुरानी है चीज़ तो वो इसमें से निकल के आ रही है और उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन ले रहे हैं, और कोई चीज़ नहीं है तो वो इस नॉलेज बेस में जुड़ रही है। सो ये जो है पास्ट थ्योरी है विच इज़ बेस्ड ऑन द न्यूरोसाइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ अलेक्जेंडर आर लूरिया। सो बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, जैसे हमने पढ़ा कि जो है प्लानिंग, अराउजल अटेंशन, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव, ये जो है चीज़ें टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट बनाया गया जिसे CAS कहते हैं, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। और उसमें चार सब स्केल्स होते हैं, मतलब चार अलग अलग चीज़ें उसे मेजर करते हैं। प्लानिंग वाला पार्ट भी मेजर करते हैं, अराउजल अटेंशन वाला भी करते हैं, साइमल्टेनियस वाला भी करते हैं जिसे कंकरेंट कहते हैं, और सीरियल वाला भी करते हैं यानी कि
वन वन करके जो प्रोसेसिंग होती है. सो ये दिस इज हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हुआ. अब सेकेंड यूनिट आते हैं थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, गिलफोर्ड, गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग. ये क्या कहते हैं एक एक करके देखते हैं. तो सबसे पहले गिलफोर्ड ने जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस दिया उसे शॉर्ट में SOI भी कहते हैं. सो गिलफोर्ड का ये कहना था जो भी हमारे इंटेलिजेंस रिलेटेड काम होते हैं वो तीन डायमेंशंस में होते हैं. डायमेंशन मतलब आयाम, तीन डिफरेंट आयामों में होते हैं. सो वो कौन कौन से जो डायमेंशंस हैं, वो सबसे पहला है कंटेंट डायमेंशन. ये जो है कंटेंट डायमेंशन है. इस कंटेंट डायमेंशन में फर्दर जो है गिलफोर्ड ने जो है बोला कि पांच डिफरेंट जो है चीजें होती हैं. मतलब कोई चीज जो इंटेलिजेंस में है कि उसमें कंटेंट क्या है, मटेरियल क्या है. तो पांच कौन से हैं, विजुअल है, ऑडिटरी है, विजुअल यानी देखने से रिलेटेड है, ऑडिटरी मतलब सुनने से रिलेटेड है, सिंबॉलिक मतलब सिंबल से रिलेटेड है. जैसे आपने चौराहे पे रेड लाइट देखी तो सिंबल है कि आपको रुकना है. आपने जो है कोई पुलिस की यूनिफॉर्म में देखा तो आपको पता है कि आप हेल्प के लिए उसके पास में जा सकते हो. आपने प्लस साइन वाली जो है गाड़ी सायरन बजाते हुए देखी तो आप समझ गए कि ये एम्बुलेंस है. ये सब सिंबॉलिक हो गया. सीमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग. आप किसी चीज़ का मीनिंग जो निकालते हो, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वर्ड्स, उन वर्ड्स के मीनिंग आपको समझ में आ रहे हैं, ये कैसे आपकी सीमेंटिक इंटेलिजेंस है. जो कॉन्टेंट डायमेंशन कौन सा है उसका सीमेंटिक वाला है. और पांचवा है बिहेवियरल यानी व्यवहार वाला कि आप करते क्या हो. तो शुरू में जो है गिलफर्ड ने जो है फिगरल दिया था विजुअल और ऑडिटरी को, बाद में अलग अलग किया. पहले फिगरल था मतलब वर्बल और ऑडिटरी नहीं था, पहले खाली फिगरल, सिंबॉलिक, सीमेंटिक और बिहेवियरल था. फिर बाद में उसने मॉडिफाई करके फिगरल हटा के उसकी जगह वर्बल, विजुअल एंड ऑडिटरी ये दो किया. तो पांच इसमें कंटेंट डायमेंशन में पांच सब डायमेंशंस हो गए. फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन डायमेंशन. ऑपरेशन डायमेंशन मतलब कि अब ये कंटेंट तो हमारे पास में आ गया, मटेरियल तो आ गया, अब हम इसका करेंगे क्या, वो ऑपरेशन डायमेंशन डिसाइड करती है. सो ऑपरेशन डायमेंशन में अगेन पांच डिफरेंट जो है सब डायमेंशंस हैं. पहला कौन सा, कॉग्निशन. मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आप देखिएगा, उसमें कॉग्निशन को मैंने बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है. शॉर्ट में बता दूं, हमारे ब्रेन में जो भी एक्टिविटी चलती है, ये पांचों सेंसरी ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है और उसकी जो है प्रोसेसिंग करके हम कोई डिसीजन लेते हैं, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये सब जो है कॉग्निशन का पार्ट है. लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एवरीथिंग, एनीथिंग विच गोज इन द ब्रेन इज कॉग्निशन. या तो हमें कोई कॉग्निटिव एक्टिविटी करनी है, या मेमोरी है हमें उसको याद करना है. आपने कोई चेहरा देखा उसको याद करना है, आपने कोई नंबर सुना उसको याद करना है, आपने कोई जो है सिंबल देखा उसको याद कर लिया कि अच्छा यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, ये सब मेमोरी का हो गया. तीसरा है डाइवर्जन प्रोडक्शन. डाइवर्जन प्रोडक्शन मतलब हम कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है सोच सकते हैं. अगर एक कोई प्रॉब्लम बताया जाए, आप उसके जो है पांच डिफरेंट सॉल्यूशंस बता दो, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जन प्रोडक्शन हो गया. फिर होता है कन्वर्जन प्रोडक्शन. ये होता है कि हम कितने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सेम चीज से तक पहुंच सकते हैं. जैसे कि अगर जो है आप जो है कोई चीज़ देखो और तीन डिफरेंट चीज़ें उसके बारे में नोटिस करो, तीनों डिफरेंट चीज़ें जो है ये बताए कि भाई हाँ एक ही चीज़ बता रही है, तो फिर आप कहोगे हाँ यही है. जैसे मान लो किसी की एज लेस देन 18 है, वो स्कूल यूनिफॉर्म में भी है, वो स्कूल के अंदर भी है, तो ये तीनों चीज़ें मिलके क्या हुई कि ये स्कूल का स्टूडेंट होगा. तो ये कन्वर्जन प्रोडक्शन हुआ. और पांचवा है इवेल्युएशन. हम कोई भी चीज़ जो आती है हमारे पास में हम उसको इवेल्युएट करते हैं. हमने कुछ देखा, रेड लाइट देखी, हमने इवेल्युएट किया कि हाँ अगर नहीं गए तो खतरा होगा, एक्सीडेंट हो सकता, रुक जाओ. या हमको जो है कोई आवाज़ आई अचानक से किसी के बच्चे के चिल्लाने की, तो हमने इवेल्युएट किया कि ये कोई खतरा होगा, बच्चे को चिल्ला रहा, मदद मांग रहा है, हमें कुछ करना चाहिए. ये सब इवेल्युएशन में हो गया.
और फिर लास्ट तीसरी डायमेंशन है प्रोडक्ट डायमेंशन। प्रोडक्ट डायमेंशन में छह डिफरेंट जो है सब डायमेंशन है। सबसे पहला है यूनिट, मतलब सिंगल केस, कोई भी जो सिंगल केस होगा वो यूनिट हो गया। फिर होता है क्लास, क्लास मतलब जो कई सारी यूनिट्स का जो है अगर कॉम्बिनेशन होगा तो वो क्लास हो गया। फिर तीसरा है रिलेशन, यूनिट्स का आपस में क्या रिलेशन है वो रिलेशन वाली डायमेंशन सब डायमेंशन हो गई। फिर एक होता है सिस्टम, सिस्टम में ये कि कौन चीज़ किसको कैसे अफेक्ट कर रही है, ये सिस्टम हो गया। फिर एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा कि ये ऑफिस आवर्स हैं अभी और यहाँ पे मेरे पापा की गाड़ी खड़ी हुई है, तो आपने ये ट्रांसफॉर्म किया है गाड़ी वाली इन्फॉर्मेशन कि आपके फादर अंदर होंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर छठा है इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन में जो है यह है कि आपको जो भी चीज़ आप कर रहे हो या करोगे या हो रहा है उसका क्या नतीजा निकलेगा, वो नतीजा समझना जो है वो प्रोडक्ट डायमेंशन में आता है। सो अगर जो है मान लीजिए हमने जो है किसी को एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी, अब मैं ये तीनों को कंबाइन करके एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए समझिएगा। अगर मान लीजिए मैंने 10 वर्ड्स दिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और मैंने आपको बोला कि ये मैं वर्ड बोल रहा हूँ और आपको सुनने के बाद में लास्ट में रिपीट करना है, तो अब ये जो है कंटेंट डायमेंशन में कौन सा हो गया, ऑडिटरी, क्योंकि मैंने बोला और आपने सुना, कंटेंट डायमेंशन हो गया ऑडिटरी। ऑपरेशन डायमेंशन में कौन सा हो गया, मेमोरी, क्योंकि आपको याद करना है। और प्रोडक्ट डायमेंशन में क्या हो गया, यूनिट, क्योंकि हर वर्ड अपने में अलग अलग है, सो वो प्रोडक्ट डायमेंशन उसका यूनिट हो गया जब आपने रिपीट किया। तो इस तरीके से इन तीनों का कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंस होता है गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस के हिसाब से। तो इसमें टोटल कितनी डायमेंशन हो गई, 5 × 5 × 5, फर्स्ट में 5 सब डायमेंशन है, सेकेंड में 5 सब डायमेंशन है, थर्ड में 6 सब डायमेंशन है। तो 5 × 5 × 6 कितना हो गया, 150 डायमेंशन, सब डायमेंशन टोटल उसकी हो गई। तो अब ये जो है इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि इतनी नैरो डायमेंशंस हैं, इतने 150 डिफरेंट तरह की है कि एक तो इनको इवेल्युएट करना जो है ना, मेजर करना जो है बड़ा मुश्किल है, और दूसरा अगर मेजर कर भी लेंगे तो उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कुछ कि भाई आगे क्या होगा। जैसे एक हम बच्चे की जो है कोई IQ मान लो हम मेजर करते हैं, उसके बेसिस पे हम ये कह देंगे हाँ ये पढ़ने में अच्छा होगा या नहीं होगा, या ये जो है आर्टिस्ट बनेगा या डांसर बनेगा या म्यूजिशियन बनेगा या डॉक्टर बनेगा, कुछ भी बनेगा उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं। लेकिन ये जो वह 150 डायमेंशन से इसके बेसिस पे कुछ कहना मुश्किल है कि वो एजुकेशन में कैसा होगा या वोकेशन में कैसा निकलेगा, यानी कि जॉब में कैसा, नहीं कह सकते। सो इसलिए डिफाइन तो बहुत अच्छे से किया है उन्होंने लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं निकला। फिर नेक्स्ट आती है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब ये गार्डनर की थ्योरी जो है वो क्या है ये हम समझते हैं। सो गार्डनर ने जो है शुरुआत में जो है 7 डिफरेंट तरीके की इंटेलिजेंस बताई थी, कितने तरह की, 7, और बाद में जो है गार्डनर ने उन 7 डिफरेंट इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन भी किया था, और फिर लास्ट में 2 जो है इंटेलिजेंस उसने गार्डनर ने और ऐड करी थी। तो हम एक एक करके जो है सारी उसकी जो गार्डनर की बताई हुई इंटेलिजेंस है एक एक करके थे। सबसे पहली है लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड, तो कई होते हैं आपने देखा होगा लैंग्वेज में बड़े अच्छे होते हैं, सो वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। फिर उसमें किस टाइप के प्रोफेशन के में आते हैं काम, जैसे राइटर्स हैं, लॉयर्स हैं, पुलिसमैन को भी बोलना वाला बहुत पड़ता है, फिलोसफर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पोएट्स हैं, टीचर्स हैं, इन सबको जो है ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो अगर किसी की जो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी है तो उसको ये प्रोफेशन सूट करेंगे। लाइकवाइज नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल, तो वही मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है इंटेलिजेंस जिसकी अच्छी है वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसमें प्रोफेशंस कौन से सूट करते हैं, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, लॉजिशियन, इंजीनियर, डॉक्टर, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स, उनके भी होती है।
फिर थर्ड होता है म्यूजिकल। जो अच्छा ये फर्स्ट और सेकंड जो हैं जो टाइप की इंटेलिजेंस है, ये स्कूल में कॉलेज में खूब जो है इसका काम आता है एकेडमिक्स में। तो आप इनको जो है इन दोनों इंटेलिजेंस को जो है एकेडमिक रिलेटेड भी कह सकते हो। फिर जो म्यूजिकल है, जैसा कि नाम से ही पता चला म्यूजिक से रिलेटेड होती है। तो इसमें किस टाइप के लोग होते हैं, जैसे सिंगर हैं, कंडक्टर वो होते हैं ना, आपने देखा होगा कि कोई बैंड प्ले कर रहा है उसके आगे एक आदमी जो है खड़ा होकर एक स्टिक लेके उनको डायरेक्शन दे रहा होता है, उसको कंडक्टर कहते हैं। डीजे आप लोग जानते ही हैं, डिस्क जॉकी, कंपोजर्स जो संगीतकार जिसे कहते हैं, ओरेटर्स जो है बोलने वाले, राइटर्स सॉन्ग राइटर्स भी होते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बजाने वाले वो भी होते हैं। फिर नेक्स्ट जो है होती है बॉडीली काइनेस्थेटिक। इसमें यह कि जो करके जो है जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको बोल के या सुन के या देख के नहीं, उनको करके चीज़ें जो है बेटर वो करते हैं, उसमें बड़े तेज होते हैं। सो वो कौन सी इंटेलिजेंस हो जाती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक। तो उस वो जिनमें ये होती है उनको क्या सूट करता है, उनको एथलेटिक्स, डांसिंग, सर्जन्स बड़े अच्छे हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स बड़े अच्छे हो सकते हैं, सोल्जर्स बड़े अच्छे हो सकते हैं। और फिर जो है फिफ्थ होती है स्पेशियल, जो थ्री डायमेंशन थ्री आयामी चीज़ों को बड़े अच्छे से समझना, उसको अरेंज करना, डेप्थ के परसेप्शन अच्छा होना। तो इन सब के लिए क्या अच्छा प्रोफेशन होता है, जैसे आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं। फिर छठा है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ में आपका संबंध, मतलब एक तो आप हो गए, दूसरा कोई भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, अनगिनत भी हो सकते हैं। तो अपने अलावा जो है दूसरे लोगों से जो है कैसे संबंध स्थापित करके रखना, इस कला में जो माहिर होते हैं वो हम कहेंगे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनके मेंटेन करना आता है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी है। सो ऐसे लोगों को कौन सा जॉब सूट करता है, सेल्स का, पॉलिटिशियंस होते हैं सारे माहिर इसमें, मैनेजर्स, टीचर्स, सोशल वर्कर्स। फिर नेक्स्ट इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या है, आपको जो है खुद के अंदर जो है संतुष्ट रहना, खुद को समझना, अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से खुद को समझा पाना, अपने को अंडरस्टैंड करना, ये जो है इंट्रापर्सनल होती है। तो जिनकी ये चीज़ अच्छी होती है वो उनके लिए जो प्रोफेशन कौन से होते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, थियोलॉजिशियंस हैं। थियोलॉजिशियन का मतलब होता है, थियोलॉजियन होते हैं जो धार्मिक जो है प्रवचन वगैरह जो करने वाले होते हैं वो थियोलॉजियन कहते हैं, रिलीजन से रिलेटेड जो नॉलेज स्प्रेड करते हैं। लॉयर्स हैं, राइटर्स हैं। तो पहली दोनों जो है, फर्स्ट टू जो इंटेलिजेंस थी वो मैंने बताया था एकेडमिक होती हैं। फिर नंबर तीन चार और पाँच यानी कि म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक एंड स्पेशियल, ये होती हैं आर्टिस्टिक या आर्ट रिलेटेड होती हैं। और सिक्स और सेवन इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ये इसे पर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। फिर जो है कुछ समय बाद जो है हार्वर्ड गार्डनर ने एक आठवीं तरह की इंटेलिजेंस भी बताई। गार्डनर ने कहा कि एक नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस भी होती है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कौन सी होती है, जिसमें कि आदमी को नेचर से रिलेटेड चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से समझता है। जैसे आपने देखा कुछ लोग बड़ी तेज़ी से पहचान लेते हैं कि फलानी चीज़ का पेड़ है, फ्रूट देखा और बता दिया कि ये फ्रूट जो है इस टाइम उगता है, ऐसे उगता है, इसके बीज ऐसे होते हैं, उनको इन चीज़ों की बड़ी अच्छी नॉलेज होती है। फ्लोरा फौना जिसे कहते हैं, पशुओं की आपस वहाँ उस इलाके के क्या कैसा होता है, क्या खाता है, कैसे शिकार करता है वगैरह वगैरह। सो ये सब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये लोग क्या अच्छे बन सकते हैं, नेचुरलिस्ट बन सकते हैं, जो प्रकृतिवादी जैसे लोग होते हैं। फिर फार्मर्स, गार्डनर्स, ये सब अच्छे बन सकते हैं। फिर लास्ट में जो है गार्डनर ने एक नाइन तरह की इंटेलिजेंस और बताई थी एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल में जो है ये पांचों सेंसरी ऑर्गन से बियॉन्ड की चीज़ है, मतलब जो चीज़ें हम देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब टोटली चीज़ें पांचों सेंसरी ऑर्गन से बियॉन्ड की चीज़ें हैं। जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ, क्या पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, जिंदगी का पर्पस क्या है, ये सब एग्जिस्टेंशियल चीज़ें हुई।
तो इस टाइप की जो है चीज़ों को बारे में सोचना समझना कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, और उसमें अच्छे होते भी हैं वो, तो वो हम कहेंगे कि उनको एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है। तो ऐसे लोग जो है क्या बेटर बनते हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट या फिलोसफर्स, वो भी अच्छे वो बनते हैं। इस तरीके से ये 9 इंटेलिजेंस हावर्ड गार्डनर ने बताई थी। फिर अब लेकिन हावर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं, इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ था। सबसे पहला जो है, इसमें अच्छी बात ये थी कि इसके इम्प्लीकेशंस बड़े वाइड थे, दूरगामी पर इसके असर थे, कि खाली यही नहीं कि आपको एकेडमिक जो चीज़ें हैं बस उसमें कोई अच्छा है तभी इंटेलिजेंट है वरना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ इस थ्योरी से निकल के आई जो कि बहुत अच्छी थी, कि भाई और भी तरह की इंटेलिजेंस होती है, हर इंसान अलग तरीके में चीज़ में इंटेलिजेंट हो सकता है। फिर क्रिटिसिज्म एक ये है कि इस जो थ्योरी में, हावर्ड गार्डनर की थ्योरी में, इस चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा जो है इंटेलिजेंस दिया गया, इम्फेसिस दिया गया कि भाई ये सारी इंटेलिजेंस जो है एक दूसरे से अलग है, जो कि संभव नहीं है। कि आपने सबने देखा होगा कि ऐसा नहीं कोई आदमी एक ही सिर्फ चीज़ में इंटेलिजेंस, हर एक में थोड़ी थोड़ी सब कुछ होती है, कम हो सकती है ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरीके की दूसरी है ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो एक्सेसिव इम्पोर्टेंस, अधिक बहुत ज़्यादा जो जोर दिया गया इंडिपेंडेंस ऑफ इंटेलिजेंस की, सब अलग अलग हैं, तो ये एक तरह की टाइप बन गई यार कि आप या तो इस टाइप के हैं या नहीं हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो तीसरा क्रिटिसिज्म था कि ये सब जो इंटेलिजेंस है ये हमारी कॉग्निटिव स्टाइल है, ये हमारे सोचने का तरीका है, ये कोई इंटेलिजेंस अलग से नहीं है। कोई न्यूमेरिकल वे में सोचेगा तो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो गई, कोई उसी चीज़ को जो करके देखेगा तो फिर जो है वो बॉडीली काइनेस्थेटिक हो गई। तो इस तरीके से ये स्टाइल है, कुछ लोगों का ये भी कहना था। अब ये जो मैंने ये आपको बताया था स्टार्टिंग में, एक चीज़ होती है ऑपरेशनल डेफिनेशन, तो अब इनकी कोई ऑपरेशनल डेफिनेशन तो है नहीं, ये क्या है कैसे मेजर करी जाएंगी, तो साइंटिफिकली जो है हम इनको प्रूव नहीं कर सकते हैं, ये एक अगली प्रॉब्लम थी। फिर जो है ये इंटेलिजेंस होने की बजाय ये एबिलिटीज लोगों ने कहा कि ये हैं, कि भाई ये इस चीज़ को करने में निपुण है, माहिर है, एबल है, एबिलिटी है, ये इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस अलग चीज़ होती है। फिर जो ये थ्योरी है इसमें कोई उन्होंने आंकड़े नहीं दिए, एम्पेरिकल नहीं है, खाली थ्योरी है, तो इसलिए जो है इसको प्रूव नहीं किया सकता है। और इससे पहले हमने जो स्पीयरमैन की जी फैक्टर थ्योरी पढ़ी थी, उसका कोई इसमें मेंशन नहीं है कि भाई ये जी फैक्टर होता है या नहीं होता है। और इसमें जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं बताई गई। हम सब जानते हैं कि हमारे वातावरण का हम पे असर पड़ता है, जैसे मान लो कोई आदमी बहुत अच्छा ब्रेन वाला भी है, बहुत अच्छा दिमाग है, IQ बहुत हाई है, लेकिन अगर आपने उसको एजुकेशन नहीं दी, अगर आपने उसको पढ़ने लिखने को नहीं दिया, तो उसको जो है कहाँ से फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो एनवायरनमेंट का असर पड़ता है, तो वो भी एक इसमें कमी, एनवायरनमेंट के बारे में बात ही नहीं। अगली चीज़ जो है कि इन्होंने इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को इतना ब्रॉड कर दिया, इतना ब्रॉड कर दिया कि वो मीनिंगलेस हो गया, कि अब वो इंटेलिजेंस को आदमी मेजर कैसे करें, ये अगली प्रॉब्लम थी। अब ये जो है थ्योरी, अगला जो है क्रिटिसिज्म था, ये थ्योरी जो है टैलेंट और स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि एक्चुअली जो है इंटेलिजेंस पे, कि जो टैलेंट है, जो स्किल है, उसके हिसाब से तुमने बोल दिया कि इंटेलिजेंट, तो ये इसकी क्रिटिसिज्म थे। फिर अगली है स्टर्नबर्ग की ट्राईआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो स्टर्नबर्ग ने जो है इंटेलिजेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल, और हर एक की जो है सब थ्योरी दी। एनालिटिकल में कंपोनेंशियल सब थ्योरी दी, क्रिएटिव में एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी दी, और प्रैक्टिकल में कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी दी। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। एनालिटिकल में क्या होता है कि हम किसी जैसे चीज़ के निर्णय पे पहुँचते हैं, नतीजे पे पहुँचते हैं, इसमें जब हमें कोई एक ही जैसे करेक्ट आंसर किसी चीज़ का हो सकता है पॉसिबल, तो उस आंसर तक जो हम पहुँचते हैं अपने दिमाग को लगा के, तो हम उसे एनालिटिकल थिंकिंग कहते हैं, कि और कोई तरीका है ही नहीं सिवाय एक ही तरीका है, तो वो तरीके को ढूंढने के लिए जिस तरीके से सोचा जाता है उसे एनालिटिकल थिंकिंग कहते हैं। क्रिएटिव में होता है सृजनात्मक या रचनात्मक तरीके से, कोई नए तरीके से हम सोचते हैं, और प्रैक्टिकल में कि हम उस चीज़ को जो है भाई किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, उस एंगल से जब हम करते हैं तो प्रैक्टिकल हो गया।
एक एक करके इनको देखते हैं। तो एनालिटिकल में जो है कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी, सबसे पहला मेटा कॉम्पोनेंट। मेटा कॉम्पोनेंट में क्या है कि हम सोचने के तरीके के बारे में सोचते हैं कि हमें सोचना कैसे चाहिए। तो जो हमारे सोचने का तरीका होगा वो, उसके बारे में जो सोचने की कैपेसिटी होती है उसको मेटा कॉम्पोनेंट कहते हैं। कि भाई हमें सोचना ऐसे चाहिए कि किसी का नुकसान ना हो, हमें ऐसा सोचना चाहिए कि बस ये बच जाए बाकी कुछ भी हो जाए, हमें ऐसे सोचना चाहिए कि सबका भला हो। ये सोचने का तरीका हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमें सोचना कैसे है वो मेटा कंपोनेंट में आ गया। फिर वो सोच के हमने जो किया वो परफॉर्मेंस कंपोनेंट में आया, उसे करना कैसे है वो परफॉर्मेंस कंपोनेंट हो गया। और कोई ज़रूरी नहीं कि जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उसमें सब कुछ हमको आता ही हो सकता है हमको कोई चीज़ ना भी आती हो तो हमें सीखनी पड़ेगी। तो जो हम सीख रहे हैं उसे नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट कहते हैं। तो ये एनालिटिकल के जो है तीन सब पार्ट्स हैं। एनालिटिकल में कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी है, उसके ये तीन पार्ट है, मेटा कॉम्पोनेंट, परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट एंड नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट। अब क्रिएटिव, सृजनात्मक या रचनात्मक जो है उसकी जो है एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी है। इसमें सिंपल सी बात है, दो चीज़ों में से एक होगी, या तो कोई चीज़ आपके लिए नई है या आप उसे पहले से जानते हैं, तीसरी होगी नहीं। तो आप जब कोई नई चीज़ डील करते हैं तो वहाँ रचनात्मकता की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत वहाँ होती है, सृजनात्मकता की ज़रूरत वहाँ होती है, नोवल्टी की ज़रूरत वहाँ होती है। तो आप कितने नोवल तरीके से सोच पाते हैं नई चीज़ के बारे में वो आपको नोवेल्टी में आएगी। और कोई चीज़ आप बार 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 की जा रहे हैं तो फिर उसको अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, वो फिर ऑटोमेशन में हो जाएगी, ऑटोमेटिक। आप जैसे आप साइकिल चलाने शुरू किया था तो आप उसमें बहुत सोचते होगे, अरे मेरा पैडल किधर है, अरे मेरा ब्रेक किधर है, वगैरह वगैरह। आप जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप सोच रहे होगे, भाई मेरा जो है हैंडल जो है मैं सही पकड़ रहा हूँ कि नहीं पकड़ रहा हूँ, सामने कोई आ जाएगा तो मुझे क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो लेकिन जब आप साइकिल चलाते जाते हैं उसमें एक्सपर्ट हो गए तो अब आपको उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है और सब ऑटोमेटिक हो रहा है। अब आपको सोचना नहीं पड़ता है कि ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, सी कैसे लिखना, ऑटोमेटिक हो चुका है। कोई नई लैंग्वेज सीखोगे तो वहाँ नोवेल्टी होगी, क्योंकि नए वर्ड्स होंगे आपको लिखने नहीं आते होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है क्रिएटिविटी का, या तो नोवेल्टी होगी या ऑटोमेशन है। तो जितना नया टास्क होगा उतना डिफिकल्टी ज़्यादा होगी क्योंकि नोवेल्टी ज़्यादा होगी। देन नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में है कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी। तो हमने जब इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि हर एक ने ये माना था कि जो एनवायरनमेंट है उसमें जो है हम अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं वो एक इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो स्टर्नबर्ग ने जो कहा कि भाई तीन ही तरीके हैं अपने को जो है एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट करने के। नंबर एक कौन सा, अडेप्ट कर लो, मतलब खुद को चेंज कर लो। भाई आप बैठे हो, आपको गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, पंखा है नहीं, तो आप खुद को एडजस्ट करोगे, भाई ठीक है गर्मी सह लो, पसीना आएगा पोंछ लेंगे, पानी पी लेंगे ठंडा। ये अडेप्ट करना हो गया। फिर दूसरा होता है शेपिंग, कि हम जो है एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं अपने हिसाब से, कि हमको सुविधा हो एनवायरनमेंट। जैसे हमको गर्मी लग रही है तो हमने पंखा चला लिया, एसी चला ली। या जैसे क्लास में होता है टीचर जो है आपसे बोलती है भाई जिसको कुछ बोलना है पहले हाथ खड़ा करो, फिर मैं उस जो बोलूँगी तब बोलना है। या अगर सब एक साथ बोलने लग जाएंगे तो फिर जो है टीचर को समझ में नहीं आएगा क्या होगा। तो क्लास के एनवायरनमेंट को अपने अनुसार जो है टीचर जो है शेप कर रही है कि मैं हाथ खड़ा करो, मैं बताऊँगी किसको बोलना है। तो दिस इज शेपिंग। और तीसरा क्या होता है, तीसरा इज सेलेक्शन। सेलेक्शन क्या होता है, मतलब आप जो है किसी चीज़ को चूज़ करते हैं कि भाई ये जो है चीज़ मैंने सेलेक्ट करी तो वो सेलेक्शन हो गया। अब सेलेक्शन में क्या होता है वो समझिए। आप जो है आपको गर्मी लग रही है, आपसे सहन नहीं हो रही है, लेकिन आप जो है वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज भी नहीं कर सकते कि भाई पंखा भी काम नहीं कर रहा है, एसी भी, लाइट चली गई है, एसी भी नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो सकता। तो आप सिलेक्शन करोगे, ठीक है मैं यहाँ से उठ के अपने घर चला जाता हूँ, वहाँ पे तो जो जनरेटर लगा हुआ है तो वहाँ एसी में आराम से बैठ के मैच भी देखूँगा और पढ़ाई भी करूँगा। तो ये सिलेक्शन हो गया, आपने चेंज कर लिया अपने एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट ही बदल दिया, डिफरेंट एनवायरनमेंट में चले गए, ये सिलेक्शन है।
पूरी जिंदगी जो है हम यही करते हैं, कई बार कॉम्बिनेशन भी होता है इनका। सो ये प्रैक्टिकल हो गया। अब जो स्टर्नबर्ग की थ्योरी के भी कुछ क्रिटिसिज्म हुए थे, क्या क्रिटिसिज्म हुए थे कि जो ये जो स्टर्नबर्ग की थ्योरी है इसमें जो एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं ये बाकी थ्योरीज में जो है कवर नहीं किए गए, तो मतलब ये एक डिफरेंट तरीके की थ्योरी है। दूसरा जो है इसका क्रिटिसिज्म ये था कि ये इमोशंस को जो है इंटेलिजेंस का हिस्सा नहीं मानती है, कि इमोशंस अलग चीज़ है, इंटेलिजेंस अलग चीज़ है। आप लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा डैनियल गोलमैन का, डैनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को भी इंटेलिजेंस माना है, कि हमें अपने इमोशंस पे काबू रखना भी आना चाहिए, वो भी एक इंटेलिजेंस का हिस्सा है। लेकिन जो स्टर्नबर्ग की थ्योरी है इसमें इमोशंस को कोई जगह नहीं दी गई है, ये क्रिटिसिज्म है। फिर ये भी क्रिटिसिज्म का, ये जो स्टर्नबर्ग ने जो बताया ये सब प्रोसेस ऑफ इंटेलिजेंस है, तरीके हैं, ये डोमेन्स नहीं है, ये कोई अलग से जो है क्षेत्र नहीं है इंटेलिजेंस के, ये सब प्रोसेस हैं। चौथा अनएम्पिरिकल नेचर, यानी कि आंकड़े नहीं है, थ्योरी थ्योरी है, बात सही है। फिर जैसे स्टर्नबर्ग की थ्योरी हमने पढ़ा कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी होती है, तो ऐसा नहीं कि खाली स्टर्नबर्ग की थ्योरी ने कहा तब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आई, लोगों का ये कहना था भाई बाकी जो इंटेलिजेंस टेस्ट जो कर रहे हैं वो भी प्रैक्टिकल जो है इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हैं। कैसे कि आप जो देखा गया जैसे हाई इंटेलिजेंस है जिनकी, तो वो जो है जब तक वो मिडिल एज में अपने पहुंचते हैं, मिडिल एज का मतलब है 40-45 साल की एज तक, तो वो अपने हर आदमी अपने करियर के पीक में होता है उस एज तक पहुंचते पहुंचते। तो जिनकी IQ हाई पाई गई थी शुरुआत में लाइफ में, तो वो सब जो है मिडिल एज तक पहुंचते पहुंचते अपने अच्छी जगह पे पहुंचे हुए थे, पोजीशंस पे सक्सेस उनको अच्छी मिली हुई थी। यानी अगर उनको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उनमें नहीं होती तो वो कैसे लाइफ में पहुंचते हैं अच्छी जगह पे। तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये खाली जो है इसी थ्योरी में होता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात, बाकी भी टेस्ट मेजर करते हैं, बाकी थ्योरीज में भी इंक्लूडेड है। तो एक क्रिटिसिज्म ये हुआ। फिर एक जो मेजर डिफिकल्टी इस थ्योरी में ये है कि ये जो इसने इंटेलिजेंस के टाइप्स बताए, अब उसको मेजर करने के लिए जो साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो क्वेश्चनर्स वगैरह होते हैं, वो कैसे बनाए जाएं, वो जो है कॉग्निटिव एबिलिटी को मेजर करें और इसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए, वो एक डिफ़िकल्टी थी। उसके लिए जो है कोई इस थ्योरी से मदद नहीं मिलती है। फिर अगला क्रिटिसिज्म भी था कि इन्होंने क्रिएटिविटी को जैसे एक अलग चीज़ बोला, इंटेलिजेंस को एक अलग, मतलब क्रिएटिविटी को इंटेलिजेंस का एक पार्ट माना। लेकिन लोगों का कहना था कि भाई क्रिएटिविटी तो वैसे ही ज़्यादा होती है जिसकी हाई इंटेलिजेंस होती है, हालांकि इसमें अपवाद भी हैं, आगे हम पढ़ेंगे जब अभी क्रिएटिविटी के बारे में। लेकिन ये बात जनरली सही है कि एक लेवल तक जो है इंटेलिजेंस जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे क्रिएटिविटी बढ़ती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इंटेलिजेंस बढ़ती जाए तो क्रिएटिविटी बढ़ती ही जाएगी, उसकी भी एक लिमिट होती है, वो हम आगे भी देखेंगे। तो लोगों का ये कहना था कि भाई इंटेलिजेंस तो वैसे ही बढ़ती है जब, जो क्रिएटिविटी तो वैसे ही बढ़ती है जब इंटेलिजेंस बढ़ती है, तो इसमें इन्होंने कौन सी नई बात बता दी। सो ये भी एक क्रिटिसिज्म था स्टर्नबर्ग की थ्योरी का। तो हम पार्ट 3 में आते हैं, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस को मेजर कैसे करते हैं। तो अब सबसे पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि पर्पस क्या होता है इंटेलिजेंस को मेजर करने का। तो 4 जो है डिफरेंट पर्पस हमारे इंटेलिजेंस को मेजर करने के होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हम एकेडमिक क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे हम एडमिशन के टाइम में करते हैं ना कि टेस्ट लेते हैं, एडमिशन टेस्ट लेते हैं, सब्जेक्ट्स के टेस्ट लेते हैं, एकेडमिक टेस्ट लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं एकेडमिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। दूसरा है ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग के लिए, जैसे हमने हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें किस टाइप की इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से प्रोफेशन की हमने बात करी थी। तो कोई जो है बच्चा पढ़ाई के बाद में कौन सा ऑक्यूपेशन ले तो आप कैसे डिसाइड करोगे, वो उसके जो हम इंटेलिजेंस टेस्ट लेंगे उससे हम डिसाइड कर सकते हैं। फिर तीसरा है पर्सनल सिलेक्शन, जैसे जॉब के लिए जो सिलेक्शन करते हैं उसमें भी जो है ये हेल्प करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। सो पर्सनल सिलेक्शन के लिए भी जो है काम आती है इंटेलिजेंस का मेजरमेंट। और चौथा है क्लिनिकल डायग्नोसिस, कई जो है ऐसी जो मेंटल डिजीजेस इलनेसेस होती डिसऑर्डर्स होते हैं
उनका पता जो है आईक्यू जो टेस्ट है उनके द्वारा लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है या नहीं है, तो उस काम में भी आती है। तो अब आते हैं कि ये इंटेलिजेंस जो टेस्ट हैं उनकी ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स कौन कौन सी हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट हो वो किसी ना किसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। बिना किसी थ्योरी के बेसिस पे इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि वो जिस थ्योरी पे बेस्ड होगा उसी चीज़ को वो मेजर कर रहा होता है। तो हमने जो थ्योरीज पढ़ी वो आपके सामने है। सो वो जनरल फैक्टर थ्योरी के बेसिस पे हो सकता है जो स्पीयरमैन की, या मल्टी फैक्टर थ्योरीज जो हमने अभी पढ़ी, गिलफोर्ड का मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस है, थर्सन की जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ग्रुप फैक्टर थ्योरीज उस पर हो सकता है, गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस उसके बेसिस पे हो सकता है, स्टर्नबर्ग की ट्रायार्किक थ्योरी पे हो सकता है, वर्नांस हायरार्किकल थ्योरी पे भी हो सकता है। ये आपके लिए नया है, वर्नांस वर्नांस हायरार्किकल थ्योरी ब्रीफ में बता देता हूँ। तो इसमें जो है कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इसमें जो है हायरार्किकल थ्योरी है, मतलब टॉप पे क्या है जी फैक्टर जो हम बात कर चुके हैं, उसके नीचे कौन से हैं मेजर ग्रुप, जैसे हमने वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पढ़ा था तो वो मेजर ग्रुप हो गए। जैसे मान लीजिए कि मेजर ग्रुप हमने न्यूमेरिकल वाला लिया, फिर उसके नीचे माइनर ग्रुप। अब न्यूमेरिकल में हो सकता है एलजेब्रा हो सकता है अरिथमेटिक हो, ये माइनर ग्रुप हो गया। फिर एस फैक्टर हो सकता है उसमें स्पेसिफिक, अब जैसे मान लो अरिथमेटिक में हम कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, तो ये स्पेसिफिक फैक्टर हो गया। तो ऐसे वर्नॉन्स हायरार्किकल जो थ्योरी है उसके बेसिस पे भी जो है टेस्ट बनाए जाते हैं। फिर जो इंटेलिजेंस मेजरमेंट के जो टेस्ट हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में जो हम थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको याद होगा, जो फ्रांसिस गैल्टन था जो कि चार्ल्स डार्विन का जो कज़िन था, उसने शुरुआत करी थी मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की, जैसे कि मैंने बताया था कि मेंटल टेस्ट जो है टर्म कॉइन किया था। तो उसने जो इंटेलिजेंस टेस्ट किए थे वो जो सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं उसके बेसिस पे, कि देख कितनी जो है शार्पली सकता है, ऑडियो कैपेसिटी कितनी है, काइनेस्थेटिक डिस्क्रिमिनेशन कैसे, जैसे बैलेंस कितना है, पावर कितनी है, या बर्फ के ऊपर कितनी देर तक हाथ रख सकता है, इस टाइप की चीज़ों से मेजर किया जाके। हालांकि इन चीज़ों का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये अब हमको पता है, लेकिन उस टाइम में ऐसे गैल्टन एंड कैटेल, जेम्स कैटेल, इसको कैटेल नहीं बोलते हैं काटेल बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा कैटल कैटल बोलते हैं, इट इज़ नॉट कैटल, काटेल। तो फ्रांसिस गैल्टन एंड जेम्स काटेल इन्होंने जो है इस बेसिस पे अपने किए थे। फिर एल्फ्रेड बिनेगा, मैंने आपको बताया था, उन्होंने जो है मेंटली रिटार्डेड जो स्टूडेंट्स थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनको ऑथोराइज किया था, तो वो जो इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसमें बेसिस क्या थे, मेमोरी, इमेजरी, इमेजिनेशन, अटेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, एस्थेटिक सेंस, मॉरल सेंटिमेंट्स, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मोटर एबिलिटी। अब हम जानते हैं कि मस्कुलर स्ट्रेंथ और मोटर एबिलिटी का हैंड आई कोऑर्डिनेशन का कोई इंटेलिजेंस के साथ में कोरिलेशन नहीं है, लेकिन उस टाइम था, उन्होंने जब टेस्ट बनाया उस टाइम ये टेस्ट में शामिल था। फिर ये साइमन एल्फ्रेड बिने ने जो थियोडोर साइमन के साथ में जो स्केल बनाया था उसको साइमन बिने स्केल कहते हैं। तो इसके बहुत सारे रिविजन्स हुए, तो 1908 में भी रिविजन हुआ, फिर उसके बाद में 1911 में हुआ। सो एम टर्मैन ने बनाया था, एम टर्मैन को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बोला था बनाने को, इसको रिवाइज करने के लिए, तो इसलिए फिर जब उसको रिवाइज किया गया 1911 तो उसका नाम हो गया स्टैनफोर्ड बिने। बिने का नाम फिर भी रहा लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टर्मैन को एम्प्लॉय किया था इसलिए नाम हो गया स्टैनफोर्ड बिने। तो फिर उसके बाद में विलियम स्टर्न ने जो है 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था। सो 1916 में जो इसका रिवीजन हुआ अल्फ्रेड बिने वाले स्केल का, उसमें आईक्यू का कॉन्सेप्ट डाला गया जो कि विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। फिर 1937, 1960, 1986 और फिर 2005 में रिविजन्स हुए ये साइमन बिने वाले स्केल में। फिर एक वर्ल्ड वॉर वन जब हुई थी तो उस टाइम मास में रिक्रूटमेंट की आवश्यकता पड़ती थी आर्मी में,
भर्ती के लिए। सो अमेरिकन आर्मी ने जो है मास में टेस्ट कराने के लिए दो तरह के टेस्ट बनाए थे, आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा। आर्मी अल्फ़ा में जो है लैंग्वेज टेस्ट होते थे, जो पढ़े लिखे हैं उनका लैंग्वेज टेस्ट होगा, और आर्मी बीटा में नॉन लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं उनका नॉन लैंग्वेज टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी कि उनसे कुछ करवा के देखा जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वेस्लर्स इंटेलिजेंस स्केल है, तो इसमें तीन डिफरेंट तरह के स्केल्स होते हैं। वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जो कि 16 ईयर्स टू 19 ईयर्स ओल्ड के लिए होता है। फिर दूसरा है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ये 6 ईयर्स टू 16 ईयर्स वालों के लिए होता है। और तीसरा है वेस्लर्स प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, ये 2.5 ईयर टू 7 ईयर्स वालों के लिए होता है। फिर नेक्स्ट है कॉफमैन असेसमेंट स्केल, तो इसमें दो तरह के हैं। कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, ये 3 ईयर्स टू 18 ईयर्स वालों के लिए। अच्छा, कहीं पर भी जो बैटरी वर्ड आया तो इसका मतलब कई सारे टेस्ट उसमें होते हैं, कोई सी भी बैटरी टेस्ट है, जैसे यहाँ पे कॉफमैन असेसमेंट बैटरी है, बैटरी का मतलब ही हो गया कि कई सारे टेस्ट उसमें होंगे। जैसे एक भाटिया बैटरी टेस्ट भी है, उसमें भी कई सारे टेस्ट होते हैं। फिर कॉफमैन एडोलेसेंट एंड एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, ये 11 ईयर्स टू 85 ईयर्स वालों के लिए हैं। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर लास्ट हमारा जो सेक्शन है क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उस पर आते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्रिएटिविटी है क्या, जो रचनात्मकता या सृजनात्मकता ये क्या है। तो स्टर्नबर्ग ने जो है 5 कॉमनलिटीज बताई जो डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स हुई थी क्रिएटिविटी के ऊपर। तो 5 चीज़ों के बारे में हर रिसर्च ने कहा था कि भाई हाँ क्रिएटिविटी में ये होता है। तो क्या क्या है, सबसे पहले तो जो आइडिया है वो नोवल हो, नोवल यानी कि नया होना चाहिए। कोई पुराना घिसा पिटा आइडिया है आपने बताया तो वो क्रिएटिविटी नहीं हुई। दो तरह की थिंकिंग होती है, एक प्रोडक्टिव थिंकिंग होती है, एक रिप्रोडक्टिव थिंकिंग। रिप्रोडक्टिव थिंकिंग में आपने सिर्फ जो पहले से पता है उसको रिप्रोड्यूस कर दिया, पुनः प्रस्तुत कर दिया, वो रिप्रोडक्टिव थिंकिंग हो गई, वो क्रिएटिविटी नहीं। प्रोडक्टिव थिंकिंग में आप कुछ प्रोड्यूस करते हो, कुछ उत्पन्न करते हो, कुछ पैदा करते हो, किसी चीज़ का सृजन करते हो, दैट इज़ प्रोडक्टिव थिंकिंग। और उसमें कोई नवीनता होती है, कुछ नोवेल्टी होती है, तो ये पहला क्रिएटिविटी में आवश्यकता होती है। दूसरी है क्रिएटिविटी में कुछ चीज़ें डोमेन स्पेसिफिक होती हैं, कुछ डोमेन जनरल होती हैं, कि मतलब कुछ बातें तो ऐसी होती हैं कि केवल उस पर्टिकुलर क्षेत्र में लागू होंगी, बाकी जगह नहीं होंगी। कुछ ऐसी हो सकती है कि हाँ वो और क्षेत्रों में भी लागू हो सकती हैं। तो जो और क्षेत्रों में भी लागू हो सकती हैं वो डोमेन जनरल हो गई, जो केवल उस पर्टिकुलर फील्ड में लागू होंगी वो डोमेन स्पेसिफिक हो गई। तीसरी चीज़ है कि जो क्रिएटिविटी जो है मेजरेबल है, यानी इसको नापा जाता है कुछ हद तक, पूरी हद तक तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ कुछ हद तक इसको नापा जा सकता है। चौथी चीज़ है क्रिएटिविटी कैन बी डेवलप्ड एंड प्रमोटेड, इसको जो है डेवलप किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, लोगों को एनकरेज किया जा सकता है क्रिएटिविटी के लिए। और पांचवी चीज़ है जो कि आपको शायद अजीब सी लगे लेकिन ये है हकीकत, अभी जो मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगा, कि जो वास्तविक जीवन में जो है क्रिएटिविटी ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं है, जैसा कि थ्योरी में आप सुनने के बड़ा अच्छा लगता है, नए नए आइडिया है तो बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, उसका तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हमेशा लाइफ में ऐसा होता नहीं है। जैसे मान लीजिए स्कूल में किसी बच्चे को ABCD पढ़ाया जा रहा है और वो क्रिएटिव बन के कहे कि नहीं मैं ए जो है ऐसे सीधा नहीं उल्टा लिखूंगा, तो आपको क्या लगता है उस बच्चे को सब क्या कहेंगे, डांटेंगे, रिवॉर्डिंग थोड़ी होगा उसके लिए। वो कहे कि नहीं मैं सी को जो है ए बोलूँगा और ए को जो है सी बोलूँगा, तो क्रिएटिव होने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई होने देगा उसको, नहीं होने। आपने भी अपनी लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, आपने जब कोई नया आइडिया दिया हुआ होगा तो अधिकतर लोगों ने जो है आपको डिस्करेज किया होगा, शाबाश नहीं मिला होगा। ये एक प्रैक्टिकल बात है लाइफ की। सो थ्योरी में जितना जो है लगता है कि जो क्रिएटिविटी जो है रिवॉर्डिंग है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उतनी होती नहीं है, उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, वो हम देखेंगे आगे। तो
इस क्रिएटिविटी के बारे में स्टर्नबर्ग ने जो है एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को जो है इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी कहते हैं। उसको समझते हैं हम क्या चीज़ है। तो स्टर्नबर्ग ने ये बोला कि क्रिएटिविटी को समझने के लिए हमें जो है छह चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएटिविटी होता है। क्रिएटिविटी कोई सिंगल चीज़ नहीं है, ये सिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं। देयर आर सिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, वील डिस्कस नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ विच इज क्रिएटिविटी। तो पहला क्या है? इंटेलेक्चुअल स्किल्स, जो बौद्धिक जो है क्षमता, या आप जो है आप कह सकते हैं कि कलाकारी, वो है पहली चीज़। अब इसमें जो है तीन चीज़ें होती हैं इंटेलेक्चुअल स्किल्स में। पहली है एस्केप द बाउंड्स ऑफ कन्वेंशनल थिंकिंग, मतलब जैसा सब सोचते हैं आपको पहले तो उससे हटके सोचना होगा। जैसा सब सोचते हैं अगर वैसे सोचेंगे तो क्रिएटिविटी नहीं हो पाएगा, तो ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी है एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग में जैसे मैंने बताया था कि ये चीज़ सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, जिसका एक ही करेक्ट आंसर होगा, वो आप जो है ढूंढ के निकाल सकने की एबिलिटी जो होती है उसे एनालिटिकल स्किल कहते हैं। तो जिनमें क्रिएटिविटी होती है उसमें उनमें एनालिटिकल स्किल भी होती है। तो आपने खाली आइडिया को नया ही नहीं, उसको यूज़फुल भी तो बनाना है। तो यूज़फुल कैसे बनेगा? वो एनालिटिकल थिंकिंग से बनेगा। अगर एनालिटिकल थिंकिंग नहीं हुई, आइडिया तो नया लेकिन यूज़फुल नहीं है, यूजलेस है। और तीसरी जो है प्रैक्टिकल, आपने आइडिया नया भी सोचा, वो यूज़फुल भी है, लेकिन उसको सेल भी तो करना है। दूसरे लोगों को जो है आपने कन्विंस करना है कि हाँ जो आपका आइडिया अच्छा है। अगर लोगों ने आपके आइडिया को अपनाया ही नहीं तो उस क्रिएटिव थिंकिंग का फ़ायदा क्या? तो आपको कन्वेंशनल से हटके भी सोचना है, एनालिटिकल यानी क्रिटिकल होके भी सोचना है कि हाँ ये सही है या नहीं है, करने का फ़ायदा है कि नहीं है, और लोगों को भी कन्विंस करना है। ये तीनों चीज़ें आप में जब होंगी तब आपकी क्रिएटिविटी काम आती है। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इंटेलेक्चुअल स्किल। दूसरा है नॉलेज। आप जिस भी फील्ड में क्रिएटिविटी करना चाहते हैं उस फील्ड में आपको एक सर्टेन लेवल की, एक पर्याप्त मात्रा की नॉलेज यानी कि ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो है आप बहुत अच्छे हैं ड्राइंग में, पेंटिंग में क्रिएटिव हैं तो आप जो है स्पेस साइंटिस्ट भी अच्छे बन जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, हाँ फिर बन जाएंगे। तो आपको जिस फील्ड में जो है क्रिएटिव होना उसमें एक मिनिमम लेवल का नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। तीसरा होता है थिंकिंग स्टाइल, आपके सोचने का तरीका। तो इसमें जो सबसे अच्छा माना जाता है लेजिस्लेटिव स्टाइल। लेजिस्लेटिव स्टाइल क्या है? न्यू वे ऑफ थिंकिंग। आप जो हमेशा नए तरीके से जब सोचने की कोशिश करते हैं तो वो आपका जो है लेजिस्लेटिव स्टाइल हुआ। तो जो आमतौर पे जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं वो हर चीज़ में, मामूली सी चीज़ में भी जो है नए तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। चौथा है पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी कैसे है कि आप बाधाएं देख के जो है उसको पार करने की कोशिश करते हैं, जुझारू टाइप के हैं, आप में रिस्क लेने की क्षमता है कि नहीं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि नहीं। अगर कई सारी चीज़ें हैं और डाउट्स हैं तो उन डाउट्स के बावजूद भी जो है आप काम कर सकते हैं कि नहीं। कई चीज़ लोग ऐसे होते हैं नहीं, हर चीज़ पहले क्लियर बता दो तब मैं कुछ करूँगा, वरना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जो जो एम्बिग्यूटी है यानी कि जो डाउट्स वाली भी चीज़ें हैं उसके बावजूद भी जो है आप काम करने की क्षमता रखते हैं। सेल्फ एस्टीम, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं कि आप कोई चीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सेल्फ एस्टीम हाई होना ज़रूरी है। अगर आप में ये होगा कि मैं कर ही नहीं सकता हूँ तो आपकी क्रिएटिविटी होएगी नहीं। फिर सेल्फ एफिकेसी, अपनी क्षमता पे विश्वास कि हाँ ये मेरे में कैपेसिटी है। फिर डिफाइंग क्राउड, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे आप। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो क्रिएटिव तरीके से नहीं सोच पाएंगे। सो ये सब पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं। पांचवी चीज़ है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन लोगों में नॉर्मली दो में से एक वजह से होता है। एक तो ये कि रिवॉर्ड, मुझे क्या मिलेगा बताओ फिर मैं करूँगा, या पता है कि ये करने से ये मिलेगा तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये कौन सा वाला तरीका हो गया? पर्सनल रिवॉर्ड की वजह से। इस टाइप के लोगों में ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं होती है। दूसरा जो है वजह मोटिवेशन लोगों में होती है कि उन्हें वो काम ही करना पसंद है, उन्हें चाहे कुछ भी ना मिले, कोई शाबाश ना बोले, थैंक यू ना बोले, फिर भी वो करना पसंद है। उनमें जो है फिर क्रिएटिविटी होती है, उनको उस काम करने में मज़ा आ रहा था, उसके रिजल्ट में नहीं, इस परवाह नहीं है। तो ये मोटिवेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्रिएटिविटी में। और छठा होता है एनवायरनमेंट।
जैसे अभी मैंने थोड़ी देर बताया आपको, जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएटिविटी को प्रमोट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर प्रमोट कर रहा है तो क्रिएटिविटी और अच्छी होगी, नहीं कर रहा है तो क्रिएटिविटी कम होगी। तो अब इन छह चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो है जो होता है उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस, इनका समावेश एक दूसरे का एक साथ जो है कॉम्बिनेशन जो है वो कॉन्फ्लुएंस हुआ। तो पहली कॉन्फ्लुएंस में क्या, जो पहली चीज़ है कि हर चीज़ का एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल होना चाहिए। थ्रेशोल्ड मतलब कि मिनिमम, इससे नीचे काम नहीं चलेगा। तो वो इंटेलेक्चुअल स्किल का भी है, नॉलेज का भी है, थिंकिंग स्टाइल का भी है, पर्सनैलिटी का भी है, मोटिवेशन का भी है, एनवायरमेंट का भी है। तो हर एक की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होती है कि इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो ये पहली बात है कॉन्फ्लुएंस की। दूसरी बात है पार्शियल कंपनसेशन, मतलब पार्शियल का मतलब आंशिक, कॉम्पनसेशन मतलब पूर्ति करना, कि हो सकता है कोई एक चीज़ कम हो तो उसकी पूर्ति दूसरी चीज़ कर सकते। जैसे मान लो कि एनवायरनमेंट में आपको थोड़ा कम सपोर्ट मिल रहा है क्रिएटिविटी के लिए, लेकिन अगर आपका मोटिवेशन हाई है तो आप एनवायरनमेंट में जो कमी है उसके बावजूद क्रिएटिविटी हो जाएंगे, क्रिएटिविटी करेंगे, आप क्रिएटिव होंगे। तो ये पार्शियल कंपनसेशन हो गया। फिर इसमें जो है इनमें आपस में इंटरेक्शन भी होता है। जैसे मान लीजिए किसी का इंटेलेक्चुअल स्किल बहुत हाई है और उसका मोटिवेशन भी बहुत हाई है, तो ये दोनों मिलके जो है और ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। और मान लीजिए नॉलेज भी और ज़्यादा हाई होगी तो और ज़्यादा जो क्रिएटिविटी होगी। तो ये आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, तो दो तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। अगर कोई एक कम है तो दूसरा उसमें बढ़ के उसको सपोर्ट कर देता है, या दो से ज़्यादा चीज़ें जो है वो ज़्यादा हैं तो वो भी आपस में मिलकर और ज़्यादा हो जाती हैं। सो ये स्टर्नबर्ग की जो है इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी थी। अब जो है एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी पे आते हैं, तो क्या क्या चीज़ें जो है क्रिएटिविटी में होती हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो टॉरेंस ने जो है क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए एक टेस्ट बनाया था। उस टेस्ट को कहते हैं टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, शॉर्ट में उसको कहते हैं TTCT। आपके सामने जो है स्क्रीन में है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है टॉरेंस ने इस टेस्ट को 1966 में बनाया था। फिर उसके बाद में कई रिविजन्स हुए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ 6074, 84, 90, 98 में इसके रिविजन्स हुए। तो ये जो क्रिएटिविटी को जो है मेजर करने के लिए टेस्ट बनाया, इसके दो पैरेलल फॉर्म बनाए थे, ए एंड बी। पैरेलल फॉर्म्स का मतलब है कि वो दोनों ही क्रिएटिविटी को मेजर करते हैं, लेकिन वो एक में अलग क्वेश्चन है, दूसरे में अलग क्वेश्चन है। तो ऐसे कई टेस्ट होते हैं, उनके पैरेलल फॉर्म्स होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। तो दो पैरेलल फॉर्म्स बनाए थे, ए एंड बी। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें मेजर की जाती थी वो बताता हूँ। तो सबसे पहला था नंबर वन फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब कितने सारे आइडिया, नंबर ऑफ आइडियाज़। कोई आपको एक प्रॉब्लम बताए, उस प्रॉब्लम के आपने 10 सॉल्यूशन बता दिए तो आपकी फ्लुएंसी बहुत हाई हुई। पांच बताए एवरेज से ऊपर है, एक या दो बताया एवरेज है, ऐसे आप कितने आइडियाज़ दे सकते हो, नंबर ऑफ आइडियाज़ पे डिपेंड करेगा फ्लुएंसी हाई है या कम है। फिर दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब किस टाइप के, अगर आप जो है हर सॉल्यूशन जो है एक ही टाइप का दे रहे हो तो फिर जो है बच्चा जैसे कोई बात नहीं मान रहा है तो आप उसको डांटो, अच्छा उसको मारो, उसको खाना देना बंद कर दो, तो ये सब क्या पनिशमेंट वाले आइडिया हुए। आइडियाज़ तो ज़्यादा हैं लेकिन टाइप सबका एक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हुई। आप ये कहो कि भाई उसको प्यार से समझाओ, उसको रिवॉर्ड दो, उसको दूसरे बच्चों को दिखाओ सब कर रहे हैं, उसको जो है हेल्प करो, तो ये सब जो है फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा हो गई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो गए। फिर जो है तीसरी चीज़ ओरिजिनलिटी, जो आइडिया आप दे रहे हैं ओरिजिनल है या नहीं है, यानी कि नोवेल्टी वाला। चौथी चीज़ जो है इलेबोरेशन, जो आपने अपने क्रिएटिव आइडिया दिया उसको फिर उसका विस्तार से जो है एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। इफ़ यू कैन एक्सप्लेन वेल दैट इज एलेबोरेशन, इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन वेल यू आर नॉट एलेबोरेटिंग। खाली आइडिया तो दे दिया लेकिन नहीं, जैसे बोला कि भाई मून तक, चांद तक कैसे जाना, तो आपने बोला कि ज़मीन में से जो है एक लिफ्ट बनाओ और लिफ्ट से को जो है मून से कनेक्ट कर दो, ठीक है क्रिएटिव आइडिया मान लिया। अब एलेबोरेट तो करो कैसे बनेगी वो लिफ्ट, तो अगर आप एलेबोरेट नहीं कर पा रहे हो तो एलेबोरेशन में कम हो। फिर पांचवा है एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल्स,
मतलब जो अमूर्त चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, उन चीज़ों को आप जो है कितना एक्सप्लेन कर पाए जो जो एक्चुअली दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि चांद तक जाना कैसे, लिफ्ट बना दो, तो फिर आप उसमें जो है ग्रेविटी के बारे में बोलो कि भाई ग्रेविटी को कैसे काउंटर करेंगे, तो ग्रेविटी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, आप उसको महसूस तो कर सकते हैं, देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो ग्रेविटी के बावजूद कैसे जाना है उसके बारे में जब आप बोलोगे तो एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल्स हो गया। फिर छठा है रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर आइडिया। मान लो कोई प्रॉब्लम आपने लोगों के सामने रखी और किसी एक व्यक्ति ने पहला ही सॉल्यूशन ऐसा दिया आपको बहुत पसंद आ गया, हाँ ये अच्छा है, तो उसके बावजूद भी आप आगे के लोगों के बाकी लोगों के आइडिया सुनते हो या नहीं सुनते हो। अगर आपने जो आइडिया पसंद आया बस वहीं पे फिर आगे ख़त्म कर दिया तो फिर ये प्रीमेच्योर क्लोजर हो गया, लेकिन आपको पहला आइडिया ही बहुत बेहतरीन लगा फिर भी आपने सारे आइडिया सुने, सो ये हो गया रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर। ये भी क्रिएटिव लोगों में होता है, वो सारे एंगल से चीज़ों को सुनते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। सो अब जो मैंने आपको बताया था कि इस जो टेस्ट को, टॉलरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है, इसको कई बार रिवाइज किया था, तो इनिशियली जो है फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी थे, लेकिन फिर उसने 1990 में जो टॉरेंस ने ये किया कि नहीं भाई ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये और फ्लुएंसी में बहुत कोरिलेशन है, मतलब ये आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, तो उसने जो है इसलिए इसको जो है हटा दिया, किसको, फ्लेक्सिबिलिटी को, जो 1990 में उसने जो है रिवीजन किया, फ्लेक्सिबिलिटी को हटा दिया, और एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल्स और रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर जो पहले नहीं था उसको जो है उसने ला दिया, ये रिवीजन के बाद हुआ। सो इस तरह ये एस्पेक्ट जो है उसमें मेजर किए गए। अब जो है क्रिटिसिज्म भी हुआ टॉलरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग का, तो सबसे पहला तो ये था कि जो रिस्पॉन्स सेट है उससे जो है रिजल्ट जो है अफेक्ट होता है। रिस्पॉन्स सेट का मतलब जो आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें, उसमें अगर आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो फिर लोगों के रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाते हैं, तो जो कि नहीं होना चाहिए, चाहे आप कोई क्वेश्चन पहले पूछो या बाद में पूछो रिस्पॉन्स तो सेम आने चाहिए। दूसरा ये था कि जो टॉलरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है इसको अलग अलग परिस्थितियों में अगर जो है अलग अलग कंडीशंस में एडमिनिस्टर किया जाए तो अलग अलग रिजल्ट आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। तीसरी चीज़ जो है इंटर रेटर लेवल, अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है इवैल्यूएशन करेंगे सेम टेस्ट का किसी व्यक्ति के, एक कोई टेस्ट किसी व्यक्ति को दिया गया मान लो और वो उसकी जो जो भी उसने आंसर्स किए वो दो अलग अलग व्यक्तियों को इवैल्यूएशन के लिए दिए, तो दोनों के इवैल्यूएशन में फ़र्क होगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है। जो हमने बात की थी क्रिएटिव में कोई एक सिंगल आइडिया तो नहीं है, 10 आइडिया हो सकते हैं, उस 10 में से किसी को एक बहुत अच्छा लगता हो, किसी को दूसरा अच्छा लगता हो, किसी को वही आइडिया बकवास लगता हो, तो इसलिए जो एक दो या दो से अधिक जो रेटर्स होते हैं उनकी रेटिंग्स में फ़र्क आता है। और चौथी चीज़ ये है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है क्रिएटिविटी को मेजर करने की, क्योंकि क्रिएटिविटी इतनी वास्ट चीज़ है, इतनी वृहद चीज़ है कि आप उसको जो है एक टेस्ट से कवर कर लो ऐसा संभव नहीं है, तो ये इसके क्रिटिसिज्म थे। फिर क्रिएटिविटी की कुछ स्टेजेस होती हैं वो जो है हम देखते हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन मतलब तैयारी, तो इस स्टेज में हम क्या करते हैं जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड हम सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, कोई कुछ भी कह रहा है हम सुन रहे हैं, सही गलत नहीं बोल रहे सुन रहे हैं, नो इवेल्यूएशन ओनली इनटेक ऑफ आइडियाज इनपुट्स इन्फॉर्मेशन, ये प्रिपरेशन हो गई। फिर जब आपने सारी जो है इनपुट्स ले लिए फिर आता है आपका स्टार्ट होता है इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिए वो आपस में कनेक्ट हो रही होती है, सॉल्यूशन तो है ब्रेन में लेकिन अभी वो आपको मालूम नहीं है निकलेगा सॉल्यूशन, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है उसी इन्फॉर्मेशन में सॉल्यूशन है लेकिन वो आपस में इन्फॉर्मेशन कनेक्ट हो रही है, वो सॉल्यूशन बन रहा है। जैसे होता है ना कि अंडा है, अंडे के ऊपर जो है मुर्गी बैठती है सेती है तो अंदर जो है चूजा बन रहा होता है, वो उसे कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड, तो वो इनक्यूबेशन हो गया। फिर जब वो अंडे को तोड़ के चूजा बाहर आता है
तो यानी कि सॉल्यूशन मिल गया। तो वो जब स्टेज आती है जब आपके आइडियाज़ जो है ब्रेन के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाता है एकदम से, अचानक से बत्ती जलेगी दिमाग में, इल्यूमिनेशन जिसे कहते हैं। तो वो सॉल्यूशन मिलना की जो स्टेज आती है उसे कहते हैं इल्यूमिनेशन। तो जैसे आर्किमिडीज था, उसको ये नहीं पता चल रहा था कि जो है जब हम पानी में कोई चीज़ डालते हैं तो उसका वेट क्यों कम हो जाता है। तो अपने जो है बाथ टब में, वो नहाने के लिए अंदर बाथ टब में गया तो उसमें पानी भरा हुआ था, तो पूरा लबालब भरा हुआ था। तो जब वो अंदर घुसा तो थोड़ा सा पानी ऑब्वियसली बाहर फैला, बाथ टब के बाहर आया, तो उसको तुरंत आइडिया आ गया, अच्छा तो ये पानी जो डिस्प्लेस होता है किसी चीज़ के डालने से, उस पानी के बराबर का वेट जो है कम हो जाता है। तो ये इल्यूमिनेशन उसको अचानक हुआ। तो वो बिल्कुल नेकेड ही बिना कपड़ों के ही गली में भागता हुआ गया अपने सड़क पे, यूरेका यूरेका बोलता हुआ, दिस इज इल्यूमिनेशन, अचानक से जो है आइडिया आता है। फिर वेरिफिकेशन, तो जो आइडिया है फिर आप उसको वेरीफाई करते हैं भाई सही है कि नहीं। तो जैसे आर्किमिडीज वाला मैंने बताया, तो उसने फिर एक्सपेरिमेंट किए कि भाई कोई पूरा कंटेनर है पानी से भरा हुआ है, उसने कोई ऑब्जेक्ट डाला तो जो पानी फैला उसको जो है मेजर किया, और ऑब्जेक्ट का वेट कितना कम हुआ उसको मेजर किया, वो दोनों बराबर है, तो हाँ वेरिफिकेशन हो गया कि आइडिया सही है। तो इस तरीके से ये स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी होती है। तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में आपस में क्या संबंध है, ये जो है इसके बारे में बहुत सारी जो है चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो गिलफर्ड ने ये कहा था कि भाई एक मिनिमम लेवल का जो है आईक्यू होना चाहिए, तब क्रिएटिविटी होगी। जैसे हमने अभी बात करी थी इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फिडेंस थ्योरी, उसमें भी हमने ये कहा था कि एक थ्रेशोल्ड लेवल होना चाहिए। तो अब ये जो थ्रेशोल्ड लेवल है, कोई इसका साइंटिफिक तरीके से एस्टेब्लिश नहीं किया, आर्बिट्ररी मतलब मनमाने तरीके से ये माना गया कि भाई 120 जिसकी आईक्यू होगी कम से कम इतनी तो होनी चाहिए क्रिएटिविटी की। दूसरी जो है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में एक कनेक्शन ये है कि एक चीज़ होती है उसे कहते हैं ट्रायंगुलैरिटी हाइपोथेसिस। तो अगर आप जो है मान लीजिए एक्स एक्सिस में इंटेलिजेंस को प्लॉट करें, वाई एक्सिस में क्रिएटिविटी के स्कोर को प्लॉट करें, तो आप ये पाएंगे कि जो लो आईक्यू और लो क्रिएटिविटी वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको कोई जो है स्कोर्स नहीं मिलेंगे, यानी कि लो आईक्यू में क्रिएटिविटी नहीं होती है। तो जो आपके डॉट्स आएंगे ग्राफ में, एक्स एक्सिस पे अगर इंटेलिजेंस है और वाई एक्सिस पे क्रिएटिविटी है, तो वो एक ट्रायंगल के शेप में आएंगे, मतलब जब इंटेलिजेंस बढ़ी तो क्रिएटिविटी बढ़ती गई और फिर एक लिमिट के बाद में वो घटती चली गई, ट्रायंगल के शेप में हो जाएगा वो, तो इसे ट्रायंगुलैरिटी हाइपोथेसिस कहते हैं। तीसरी चीज़, ये एक दूसरा कनेक्शन हो गया इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का। तीसरा है सर्टिफिकेशन हाइपोथेसिस। सर्टिफिकेशन हाइपोथेसिस में क्या है, ये कहना है कि भाई जो क्रिएटिविटी के काम हैं वो आमतौर पे उन्हीं फील्ड में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे जाने के लिए हाई आईक्यू चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक ब्रिज बनाना है, क्रिएटिविटी का काम है, लेकिन उसके लिए आपको इंजीनियर होना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी आपको कोई ब्रिज बनाने को दे देगा। या आपने कोई इलाज खोजना है या कोई सर्जरी करनी है अलग तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, तो आपको डॉक्टर होना पड़ेगा, ऐसे कोई आपको ऑपरेशन थोड़ी करने देगा। तो ये सर्टिफिकेशन हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो क्रिएटिविटी वाले फील्ड है जहाँ पे क्रिएटिविटी हो सकती है, उस फील्ड में जाने के लिए ही जो है हाई आईक्यू चाहिए होती है। तो एक ये भी रीज़न है कि जिनकी हाई इंटेलिजेंस होती है उनमें क्रिएटिविटी थोड़ी ज़्यादा क्यों पाई जाती है, क्योंकि उन्हीं फील्ड में पॉसिबल भी है। तो टर्मन ने जो है, लुई टर्मन ने 1925 में जो बहुत हाई आईक्यू के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की थी। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबे समय तक। तो इनका जो मीन आईक्यू था मतलब एवरेज, वो 151 था, जो कि बहुत हाई होता है। तो उन स्टूडेंट्स को जो है मेजर ऑब्जर्व किया था काफ़ी लंबे समय तक, जब तक कि वो अपने करियर वगैरह में एस्टेब्लिश हो गए ना गए हों। तो ये पाया गया कि वो जो हाई आईक्यू थे तो सभी अपने अपने प्रोफेशन में बहुत ऊंचे गए, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जहाँ तक क्रिएटिविटी की बात है वो कोई उनमें जो है ऐसा साइन नहीं मिला कि हाँ ये बहुत इतने हाई इंटेलिजेंस वाले लोग हैं तो इनमें क्रिएटिविटी। तो यानी कि एक लिमिट के बाद जो है हाई इंटेलिजेंस का कोई फ़ायदा नहीं है क्रिएटिविटी में,
इसका एक रीज़न मेरा ये मानना है इसलिए भी है कि जो इतने इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको क्रिएटिव होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आमतौर पे आप क्रिएटिव कब होते हैं? जब कोई चीज़ नॉर्मल तरीके से नहीं हो रही है। तो इनकी हाई आईक्यू की वजह से ये इनके हर काम वैसे ही आसानी से कर लेते हैं, तो इनको क्रिएटिव होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पर ये बात तो साइंटिफिकली और एम्पिरिकली यानी डाटा वाइज प्रूवन है कि एक लिमिट के बाद आईक्यू ज़्यादा होने से क्रिएटिविटी पे कोई असर नहीं आता। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है वो समझिए। प्रॉब्लम क्या होती है, एक हमारी कोई इनिशियल स्टेट है और एक जो है इनिशियल मतलब वर्तमान स्थिति है और एक गोल स्टेट है यानी कि हम चाहते क्या हैं। तो इनके बीच का जो गैप है वो प्रॉब्लम है। आप जो है आज जो है मान लीजिए ग्रेजुएट हैं, आप जो है ये आपकी इनिशियल स्टेट होगी, आप 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएट बनना चाहते हैं तो ये आपकी गोल स्टेट होगी। तो आज और जो गोल स्टेट है यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बीच में जो आपको कुछ करना है वो आपकी प्रॉब्लम्स हो गई। तो उसके लिए कुछ जो है कोई व्यक्ति होगा, ऑपरेटर होगा, आप हैं, पर्सन है, ऑपरेटर है। तो ये इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट और पर्सन यानी कि ऑपरेटर, इसका कॉम्बिनेशन जो है इसको कहते हैं प्रॉब्लम स्पेस। और ये इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे जाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स जो है आपको फॉलो करने होंगे कि भाई आपको जो है डिजर्टेशन बनाना पड़ेगा, आपको जो है जो टर्म एग्जाम्स हैं उसमें जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको टर्म एंड में जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको वाइवा करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये सब रूल्स हो गए। मिनिमम इतने मार्क्स लाने हैं, इतने पे इतना ग्रेड मिलेगा, ये सब रूल्स हो गए। तो हर प्रॉब्लम में एक इनिशियल सेट होगी, एक गोल सेट होगी, कोई ना कोई पर्सन या ऑपरेटर होगा, इनके कॉम्बिनेशन को प्रॉब्लम स्पेस कहेंगे। और इनिशियल सेट से गोल सेट में जाने के लिए हमको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो प्रॉब्लम्स कितने तरह की होती है? वैसे तो बहुत तरह की होती है, पर हम आपको यहाँ पे 3 ही तरीके की बताएंगे। सबसे पहली होती है वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड। वेल डिफाइंड में क्लियरली बताया जाएगा ये इनिशियल स्टेट है, क्लियरली बताएंगे ये गोल स्टेट है, क्लियरली बताएंगे ये रूल्स हैं, ये वेल डिफाइंड हो गई। और इल डिफाइंड में क्या है कि क्लियरली नहीं बताया जा रहा आपको कि क्या गोल स्टेट है, क्या इनिशियल स्टेट है, क्या रूल्स हैं, तो वो इल डिफाइंड हो गई। फिर एक होती है प्रॉब्लम्स ऑफ अरेंजमेंट। जैसे मैंने आपको मान लीजिए 4 वर्ड बोले, डी ओ आर डब्लू, मैं पूछूं कि ये बताओ ये क्या वर्ड है, मैंने मिक्स करके बोला है, तो आप इन चीज़ों को, इन चारों को डी ओ आर डब्लू को अरेंज करेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो वर्ड है डब्लू ओ आर डी, इसको मैंने घुमा फिरा के बोल लिया, तो ये एनाग्राम हो गया। तो ये प्रॉब्लम्स ऑफ अरेंजमेंट है, जिसमें आपको केवल अरेंजमेंट को चेंज करना है, तो ये प्रॉब्लम्स ऑफ अरेंजमेंट है। फिर एक होती है प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें जो है हमको जो एक इनिशियल स्टेज होती है उसको ट्रांसफॉर्म करके गोल स्टेट में पहुंचाना होता है। जैसे मैं आपको इसमें एक टावर ऑफ हनोई का होता है एग्जाम्पल, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको डायग्राम से और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें ये है कि जो है तीन जो है एक लकड़ी का जो है पोर्शन होता, उसमें ऐसे तीन जो है कीलें होती हैं और एक कील के ऊपर 3 डिस्क रखी होंगी। तो एक डिस्क सबसे बड़ी होगी, एक उससे छोटी होगी, उस टॉप वाली सबसे छोटी होगी। तो ऐसे ये रखी हुई हैं 3 डिस्क। तो ये इनिशियल स्टेट हो गई। गोल स्टेट क्या है कि इन तीनों डिस्क को इसी रूप में लास्ट वाली पे पहुंचाना है, मतलब तो सबसे बड़ी सबसे नीचे, उससे बड़ी उससे ऊपर और सबसे छोटी सबसे ऊपर। लेकिन रूल क्या है कि एट ए टाइम आप केवल एक ही डिस्क को निकाल के कहीं पे भी ले जा सकते हैं, एट ए टाइम ओनली 1 डिस्क। सेकेंड रूल क्या है कि कभी भी छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं रखी जाएगी, ये सेकेंड रूल है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए तीनों डिस्क को यहाँ से यहाँ ले जाना है। सो ये कौन सी प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो हम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग को जो है कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला क्या है कि हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं क्या है और प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। फिर हम एक प्लान डिवाइस करते हैं कि प्रॉब्लम को जो है हमने क्या करना है, उसके बारे में कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा। फिर हम जो भी हमको बेस्ट सॉल्यूशन लगा उसको हम कैरी आउट करते हैं, लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं।
और इम्प्लीमेंट करने के बाद में हम मुड़ के देखते हैं, पलट के देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन ढूंढा वो सही है या नहीं है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, वो स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? सबसे पहली होती है एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम या ह्यूरिस्टिक, दो में से एक होगी। तो इनको समझते हैं कि एल्गोरिदम जो है उसमें हर स्टेप जो है प्रिसाइसली डिफाइंड होगा कि आपको ऐसे करना है, कोई डाउट नहीं है। और वो एल्गोरिदम और वो स्टेप्स जो है ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स खत्म होंगे। कब खत्म होंगे उसमें बताया गया होता है। और एल्गोरिदम इफेक्टिव होती है, इफेक्टिव मतलब उससे सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और चौथी चीज क्या है एल्गोरिदम से रिलेटेड, वो जनरल होती है, मतलब ये नहीं कि किसी एक सिचुएशन के लिए, उस टाइप की कितनी भी सिचुएशंस हो वो हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल टेबल्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, पहाड़ी से हिंदी में कहते हैं, तो उसमें आपको पता नहीं है लेकिन आपने आज तक क्या यूज़ किया, एल्गोरिदम यूज़ किया। एल्गोरिदम क्या है कि जो भी जिस भी नंबर का टेबल है उसको सिंपली हमें क्या करना है, ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना, करते जाना, करते जाना है, और वो हमारा टेबल बनता चला जाएगा। सो क्लियरली डिफाइंड है स्टेप, रिजल्ट गारंटेड है, आएगा ही आएगा। आपको जहाँ तक का टेबल चाहिए उतने बार ऐड करना, वो स्टेप टर्मिनेट हो रहा है, और चाहे कोई से भी नंबर का टेबल हो वो हर बार सॉल्व होगा। तो ये एल्गोरिदम हो गई। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका एल्गोरिदम होता है, दूसरा होता है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक में क्या है, रूल ऑफ थंब होता है, इसमें सॉल्यूशन गारंटेड नहीं होता है लेकिन शॉर्टकट जरूर होता है। इसमें फिर से कह रहा हूँ, सॉल्यूशन गारंटेड नहीं होता है ह्यूरिस्टिक में, एल्गोरिदम में गारंटेड है, ह्यूरिस्टिक में नहीं है। फिर आप कहोगे यूज़ क्यों करते हैं, फिर हम एल्गोरिदम ही करें। फ़ायदा ये है कि ह्यूरिस्टिक में टाइम कम लगता है, शॉर्टकट होता है, एल्गोरिदम में शॉर्टकट नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो लाइफ में हर प्रॉब्लम को जो है हम हमेशा लंबे टाइम लेकर नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें कई चीज़ जल्दी सॉल्व करनी होती है, तो इसलिए जो है ह्यूरिस्टिक का भी लाइफ में इस्तेमाल होता है, बहुत होता है। तो कुछ ह्यूरिस्टिक्स जो है मैं आपको बताता हूँ, सारी नहीं बताऊँगा क्योंकि इतना ना टाइम है ना आपके सिलेबस में भी नहीं होगा शायद। तो एक है मीन्स एंड एनालिसिस, इसमें क्या है कि बस हम जो हमारी गोल स्टेट है उसके नज़दीक पहुँचते जाना, पहुँचते जाना, पहुँचते जाना। जैसे मान लो आगरा से आपको दिल्ली जाना है, तो आगरा से दिल्ली जाने के लिए अगर मान लो ट्रेन जो है सिर्फ जो है मथुरा तक जा रही है, तो आप मथुरा तक ट्रेन से चले गए। फिर मथुरा से जो है मान लीजिए पलवल तक जो है बस जा रही, तो आप बस से चले गए। उसके आगे जो है मान लीजिए फरीदाबाद तक जो है टैक्सी मिल रही, आप टैक्सी से चले गए। उसके आगे मान लीजिए कोई आपको कोई मोटरसाइकिल से छोड़ दे रहा, तो आप मोटरसाइकिल चले गए। तो आप अपने गोल के नज़दीक जाते जा रहे हैं। तो ये मीन्स एंड एनालिसिस हो गया। फिर सेकेंड होता है बैकवर्ड वर्किंग, तो इसमें क्या है, हम गोल्स सेट से स्टार्ट करके इनिशियल सेट की तरफ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये हम कब करते हैं, जब हमारा जो गोल सेट है बहुत यूनिकली डिफाइंड हो सकता है, होता है, यानी कि सिर्फ एक ही पॉसिबल स्टेज है और कोई पॉसिबल स्टेट है ही नहीं फाइनल। जैसे कि मेज़ होता है, आपने अखबार वगैरह में देखा ना, मेज़ होता है, इसमें सेंटर तक पहुंचना होता है, एक ही रास्ता होता है। तो आप सेंटर से अगर स्टार्ट करोगे तो बड़ी इजीली जो रास्ता मिल जाएगा आपको। सो ये बैकवर्ड वर्किंग हो गया। फिर तीसरी होती है एनालॉजीज। एनालॉजीज का मतलब है एक समस्या उससे मिलती जुलती है जो हम सॉल्व कर चुके हैं या हम जानते हैं, उसके आधार पर हम जो वर्तमान समस्या है प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। सो वी सॉल्व द करंट प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस। सो आपको ऑलरेडी मालूम है कि जो है आपने 25 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला था, उसका तरीका आपको पता है। तो फिर आपको मान लीजिए कि बोला जाए कि अच्छा तो आप 121 का स्क्वायर रूट निकालो, तो आपको 25 का पता है, तो उसी एनालॉजी से आपने 121 का निकाला निकालेंगे। तो ये भी एक जो है तरीका होता है। फिर कई फैक्टर्स होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को अफेक्ट करते हैं। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो है कितनी बड़ी है उसका भी बहुत असर इफेक्ट पड़ता है। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी होगी उतना सॉल्यूशन डिफिकल्ट होगा। अगर आपसे बोला जाए कि एक आदमी के लिए खाना बनाओ कोई बात नहीं, दो के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बोलूँगी 100 के लिए, तो अब आपको वो ना वो बर्तन काम करेंगे, ना वो जो है आपके पकाने का जो
स्टोव है वो काम करेगा, हर चीज़ आपको डिफरेंट चाहिए होगी, तो मैग्नीट्यूड से भी प्रॉब्लम पे असर आता है। फिर सेकंड है, हमारे जो इनिशियल और गोल स्टेट में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम बड़ी होगी। अगर आपको सिर्फ जो है मान लीजिए एक सेमेस्टर पास करना है, वो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जो है मान लो फर्स्ट क्लास के बच्चे को बोला जाए तुम्हें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट में बहुत फ़र्क है ना, तो उसको बहुत टाइम लगेगा और मुश्किल भी लगेगी उसको। फिर तीसरी चीज़ है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। सो जितनी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होंगी जो है प्रॉब्लम में, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होगा। आप जैसे मान लीजिए कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर उस पिकनिक में मान लीजिए आपके सिर्फ तीन चार क्लोज फ्रेंड हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करना बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको बोला जाए कि पूरे कॉलेज की ऑर्गेनाइज करनी है, सब बच्चों को जो उसमें लेके चलना है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ गए तो प्रॉब्लम बढ़ गई। फिर चौथी चीज़ होती है परसीवर सेट। तो इसमें क्या होता है कि हम कई बार क्या होता है पुराने जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो यूज़फुल भी होते हैं सॉल्व करने में, कई बार वही चीज़ बाधा बन जाते हैं पुराने एक्सपीरियंस, क्योंकि हम नए तरीके से नहीं सोच पाते हैं, तो वो भी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में कई बार आते हैं। जैसे आपके सामने जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको तेज़ी से पढ़िए, जल्दी पढ़िए, सामने जो लिखा हुआ ना, परसीवर सेट पास एक्सपीरियंस हिंडर्स फाइनल सॉल्यूशन एग्जांपल, इसको तेज़ी से पढ़िए सारे। तो आपने पढ़ा होगा मैकडोनल्ड, मैक मोहन, मैक ग्रेगर, मैक हाइनरी। तो अब इसमें क्या हुआ, जो मैक 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 तीन वाला आया तो लास्ट में आपके दिमाग में भी ऑटोमेटिकली मैक आ गया, आपने दिमाग में ये नहीं आया होगा कि मशीनरी है ये। तो कई बार ऐसा भी होता है, हम जो है पर जो पास एक्सपीरियंस है उसकी वजह से जो सॉल्यूशन इजी है वो भूल के हम उसको डिफ़िकल्ट तरीके से ही करते हैं, जैसे मशीनरी की बजाय मैक हाइनरी कर रहे हैं। फिर जो है पांचवा होता है फंक्शनल फिक्सनेस। फंक्शनल फिक्सनेस में क्या है कि हम किसी चीज़ का एक जो इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं बस यही एक इस्तेमाल है और कुछ हमारे दिमाग में आता ही नहीं उसका कोई आइडिया। अगर मैं आपसे पूछूं हैमर का क्या यूज़ है, आप बोलेंगे कील ठोकना या किसी चीज़ को ठोकना, लेकिन जल्दी से आपके दिमाग में ये आइडिया नहीं आएगा कि उसको हम एज ए पेपर वेट भी यूज़ कर सकते हैं या उससे हम शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हैं क्योंकि मेटल का होता है वो। तो ये जो फंक्शनल फिक्सनेस है ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में कई बार डिफ़िकल्टी पैदा करती है कि हम चीज़ का जो है और उपयोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि और भी कुछ हो सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो है आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। मुझे उम्मीद है आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।